हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड मॉर्निंग शिव, क्षितिज, हर्ष, अनिकेश, दीपक, अमन, बबलू, मुंडन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग हरीश, हर्ष, बीके, पूजा, गुड मॉर्निंग जितेंद्र। चलिए महारथियों, आज की आपकी सेवा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। इस टॉपिक की कुछ विशेषता हैं और विशेषता सबसे बड़ी ये है कि ये टॉपिक हमारा अरिथमेटिक के सबसे छोटे टॉपिक में से एक टॉपिक है। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही सिलेक्टेड पढ़ना होता है, और बहुत ही लिमिटेड और सिलेक्टेड पढ़ के आप इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आज हम आपको एक टॉपिक कंप्लीट करा के देंगे, और इसमें आज जो हम आपसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो सारे अभी रिसेंटली लास्ट थ्री ईयर्स में जो पूछे गए हैं वही हैं, और उसमें से बस दो तीन क्वेश्चन एक्स्ट्रा हमने ऐड किए हैं, बाकी सारे प्रीवियस ईयर के हैं लेटेस्ट। ठीक है, तो बोट एंड स्ट्रीम की बात को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले समझते हैं ये होता क्या है। अब बोट और स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा, ये क्या होता है ये बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली चीज हमें यहाँ पर ये समझना है कि बोट में स्ट्रीम की जो स्पीड होती है उसका इफेक्ट क्या होता है। और ये जो हम आपको डिस्कस करेंगे लगभग सभी एग्जाम्स के लिए, आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो तो ये सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये आपका पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें दो तीन चीजें हमें समझनी है, हम उसको डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत वैरायटी नहीं होती, दो से तीन टाइप के क्वेश्चंस ही आपके होते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि जैसे नाव जो होती है, नाव पर नदी की जो स्पीड होती है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। सबसे पहले हमें ये समझना है, अगर हम नदी के डायरेक्शन में जाते हैं या हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारी स्पीड पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए आपने एक चीज फील की होगी बचपन में। हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे बचपन में जब हम साइकिल चलाते थे, अभी भी चलाते हैं, और जब बहुत तेज हवाएं चल रही हो, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जब बहुत तेज हवाएं चल रही हो यानी आंधी चल रही हो और आप उसमें साइकिल चलाते हैं तो आप एक चीज फील करते हैं कि जिधर हवा चलती है उधर ही अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो आपको अपनी एनर्जी जो है वो कम लगानी पड़ती है, और कम एनर्जी से भी आपकी साइकिल काफी तेज चलती है। लेकिन अगर जिधर हवा चल रही है उसके अपोजिट में आप साइकिल चलाते हैं तो आपको बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है, तब भी आपकी साइकिल धीरे धीरे चलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिधर हवा चल रही है अगर हम उधर ही साइकिल चलाएंगे तो हमारी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, और अगर हम उसके अपोजिट साइकिल चलाएंगे तो हमारी स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो यही इंपैक्ट आपका किसका होता है, नदी का, किस पर, बोट की स्पीड पर। जैसे हवा का इंपैक्ट हम पर होता है, ऐसे ही नदी के पानी की स्पीड का जो इंपैक्ट होता है वो किस पर होता है, बोट पर। जिधर नदी बह रही है अगर आप उधर ही अपनी बोट चलाएंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, और जिधर नदी बह रही है उसके अपोजिट आप अगर बोट चलाएंगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम। इसका हम आपको एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे अरे बॉडी बंद हो गया, हम आपको एक एग्जांपल और देते हैं, और वो एग्जांपल क्या है, जैसे कभी आप हरिद्वार गए हो, ऋषिकेश गए हो, या आप किसी ऐसी जगह रहते हो जो नदी के किनारे हो। तो अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जो नदी के किनारे है तो आपने एक चीज फील की होगी कि अगर हम उसमें कुछ फूल डालते हैं या कोई चीज डालते हैं तो फूल जो है वो बहने लगता है, और वो किधर बहता है, जिधर नदी चल रही हो उधर ही फूल बहने लगता है। फूल की अपनी कोई स्पीड नहीं होती लेकिन वो फूल पानी के साथ बहने लगता है। तो जो फूल जो बहता है पानी में वो किसकी स्पीड से बहता है, नदी की स्पीड से बहता है। ठीक है, चलिए तो अब हम आपको इसमें कुछ चीजें समझाते हैं। सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए कि इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो हम नदी के जिस डायरेक्शन नदी बह रही है उसी में चल रहे हैं, और एक हम उसके अपोजिट चल रहे हैं।
तो जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है उधर ही हम चल रहे हैं, नदी के साथ साथ चल रहे हैं, तो उसे बोलते हैं सेम डायरेक्शन, समान, या अलोंग द स्ट्रीम यानी नदी के साथ साथ, या फिर डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के अनुकूल, ठीक है। लेकिन अगर हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उसे विपरीत दिशा बोलते हैं, या अगेंस्ट द स्ट्रीम या अप स्ट्रीम यानी कि धारा के प्रतिकूल। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया धारा के साथ साथ, अप स्ट्रीम का मतलब हो गया धारा के विपरीत। अब हमने आपको क्या बताया कि अगर हम नदी में अपनी नाव को चलाते हैं तो हमारी स्पीड या तो बढ़ेगी या फिर घटेगी, जैसे साइकिल की स्पीड बढ़ती थी या घटती थी। तो जिधर नदी बह रही है अगर हम उधर ही अपनी साइकिल या नाव चलाएंगे तो हमारी स्पीड बढ़ेगी, और उसके अपोजिट चलाएंगे तो हमारी स्पीड क्या होगी, कम। बिल्कुल साइकिल वाला एग्जाम्पल लेके चलना, और आपकी स्पीड उतनी ही बढ़ेगी या उतनी ही घटेगी जितनी की नदी की स्पीड है। अब हम इसको आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं कि अगर मान लो आपकी एक्चुअल स्पीड जो है, तो आपकी जो एक्चुअल स्पीड है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर का मतलब शांत जल में आपकी चाल, यानी कि आपकी जो एक्चुअल गति है उसे हमने एक्स मान लिया, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हमने क्या मान लिया, वाई। तो सपोज करते हैं आपकी एक्चुअल स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर्स है, और बोट की और नदी की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर्स है। तो अगर आप जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है उसी डायरेक्शन में जाएंगे, यानी कि नदी के साथ साथ जाएंगे, डाउन स्ट्रीम जाएंगे, तो आपकी स्पीड क्या है, आपकी स्पीड में नदी की स्पीड जुड़ जाएगी। तो ये आपको खुद समझना होगा, जब कभी भी वो क्वेश्चन में ये कहेगा कि आप डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो आपको ये खुद समझना पड़ेगा। साउंड में क्या दिक्कत है अमन? आपको ये समझना पड़ेगा कि आप नदी की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन अगर आप नदी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपकी स्पीड उतनी ही कम हो जाएगी जितनी की स्ट्रीम की स्पीड है, यानी कितनी हो जाएगी, 12। तो सेम डायरेक्शन में दोनों जुड़ जाते हैं, अपोजिट में दोनों घट जाते हैं। तो आपको साउंड में कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, अमन के साउंड में दिक्कत है, बाकी ठीक है। चलिए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी वो ये कहेगा कि आप नदी के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा कि आप अपनी स्पीड प्लस नदी की स्पीड से जा रहे हैं, और नदी के अपोजिट जा रहे हैं तो अपनी स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड से जा रहे हैं। तो अगर कभी भी डाउन स्ट्रीम बोलेगा तो आपकी स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, और अप स्ट्रीम बोलेगा तो आपकी स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। ये मन में सेट कर लो, जब कभी भी अगर उसने आपसे ये कहा, जब कभी भी उसने आपसे ये कहा कि आप नदी के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपकी जो स्पीड होगी वो आपकी प्लस नदी की स्पीड होगी, मतलब आप अपनी स्पीड में नदी की स्पीड जोड़ देंगे। और अगर वो अप स्ट्रीम कहेगा तो आप क्या करेंगे, अपनी स्पीड से नदी की स्पीड क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना, डाउन स्ट्रीम का मतलब आपकी प्लस स्ट्रीम की, अप स्ट्रीम का मतलब आपकी माइनस स्ट्रीम की स्पीड। अब यहां से आप एक चीज सोचो, आप यहां से एक चीज सोचो कि अगर डी की वैल्यू एक्स प्लस वाई है और यू की वैल्यू एक्स माइनस वाई है, अगर हमें यहां से एक्स या वाई निकालना पड़े, यानी कि नदी की नाव की स्पीड और नदी की स्पीड निकालनी पड़े, तो एक्स निकालने के लिए अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, देखो अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2x बराबर आपका आ जाएगा d प्लस यू, तो x बराबर d प्लस यू बाई टू, और अगर दोनों को घटा देंगे तो 2y बराबर आ जाएगा d माइनस यू, तो 2y बराबर d माइनस यू, तो y बराबर d माइनस यू बाई टू। ये ध्यान रखना है आपको बस। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि डाउन स्ट्रीम का मतलब x प्लस वाई, अप स्ट्रीम का मतलब x माइनस वाई, और अगर x की स्पीड, x की वैल्यू यानी बोट की स्पीड निकालनी है तो D और U को जोड़कर अगर आप दो से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट आपकी बोट की स्पीड आ जाएगी, और अगर स्ट्रीम की निकालनी है Y की तो दोनों के डिफरेंस को दो से डिवाइड कर देंगे। एक मिनट, क्या दिक्कत है साउंड में? ठीक तो है, चलिए ठीक है। तो अगर आपको डी की और यू की वैल्यू पता है तो बोट की स्पीड क्या होगी, 28 प्लस 12 बटे 2, 40 बटे 2, 20, देखो वही आ गई। और स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, 28 माइनस 12 बटे 2 यानी कि 8, वही आ गई। तो बस सबसे पहली चीज आपको यही ध्यान रखनी है। अब आप बताइए कि
कि क्या अगर आपको डी की और यू की वैल्यू पता हो तो क्या आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं? जल्दी से कंफर्म करें। ठीक है, चलिए तो अब हम आपको जो पहला पैटर्न कराएंगे, वो पहला पैटर्न, इसको हम तीन टाइप में आपसे डिस्कस करेंगे बोट एंड स्ट्रीम को। तो पहला जो पैटर्न होता है, उस पैटर्न में आपका क्या होता है कि वो आपको डी और यू की वैल्यू दे करके बोट और स्ट्रीम की वैल्यू पूछता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन कराने से पहले एक चीज और समझ लो, इसमें जितने भी फॉर्मूले लगेंगे वो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के ही लगेंगे। जैसे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम, सब जानते हैं, और वही फॉर्मूले से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये सब जानते हैं। तो यही फॉर्मूले आपके लगेंगे, नया कोई खास फॉर्मूला इसमें नहीं है। ये देखो पहला क्वेश्चन, अब आप करिए। ये क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा गया है 2021 में। पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि स्टार्टिंग का क्वेश्चन है तो बहुत ही आसान है। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वॉटर इज 14 किलोमीटर पर आवर, इट गोज 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 1 आवर 45 मिनट, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। शांत जल में नाव की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के अनुकूल 1 घंटे 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है, धारा की गति क्या है? ये रेलवे में आपका पूछा गया है, तो इसे कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आप ये देखिए आपको दिया क्या गया है। आपको दिया है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, नाव की शांत जल में गति 14। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। तो हमें एक तो एक्स की वैल्यू दे रखी है, एक हमें ये दिया है धारा के अनुकूल 1 घंटे 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है। तो ये क्या हो गई? दूरी। ये क्या हो गया? टाइम। और दूरी और टाइम से हम क्या निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं, अगर हमें डिस्टेंस पता है और टाइम निकाल पता है तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? और वो स्पीड कौन सी होगी? धारा के अनुकूल, यानी कि डाउन स्ट्रीम। तो हम यहां से डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है? और वो कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम जो 45 मिनट है ना, इसको आप घंटे में चेंज कर लो। घंटे में चेंज करोगे तो 3/4 घंटे हो जाएगा। तो ये 1 घंटे 45 मिनट को आप लिख सकते हो 7/4 आवर्स। बस उसने टाइम थोड़ा मजेदार दिया है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 28, टाइम 7/4, 4 पहुंच जाएगा ऊपर, और 7 से ये 4, 4 चौक 16, तो डी की वैल्यू हो गई 16। और डी जो होता है वो होता है एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू 16 है, एक्स की वैल्यू 14 दी हुई है, तो क्या हम वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं? जी हाँ। तो 2 किलोमीटर पर आवर्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है आदित्य, चलिए अब बताइए, है ना इजी? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि रेलवे में पूछा गया, लेकिन रेलवे में भी कुछ अच्छे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, और टीजीएल वगैरह में भी आपके। वैसे बोट एंड स्ट्रीम बहुत कॉम्प्लिकेटेड आता नहीं। वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं। कुछ स्पेशल किया? नहीं, हमें एक्स की वैल्यू पता थी, अच्छी बात है। अब हमें डिस्टेंस और टाइम दिया था, तो डिस्टेंस और टाइम का यूज तो स्पीड में ही होता है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड आई, लेकिन स्पीड डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू पता है, वाई की निकाल सकते हैं। चलिए ये देखिए नेक्स्ट। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 11 किलोमीटर पर आवर, करिए इस क्वेश्चन को इन स्टिल वाटर। सेम क्वेश्चन, एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि ये किसकी वैल्यू दे रखी है? एक्स की। धारा के अनुकूल 2 घंटे 20 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है। अब ये 2 घंटे 20 मिनट, 20 मिनट का मतलब इसको घंटे में चेंज करेंगे तो 20/60, यानी कि 2 1/3, यानी कि 7/3 आवर्स, ये आपका आ गया टाइम, ठीक है? तो धारा की गति क्या है? करिए, बताते हैं अरुण, अभी लास्ट बताते हैं बैच के रिगार्डिंग, पहले अभी पढ़ लो। गुड मॉर्निंग हरिओम दीपेंद्र, चलिए जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को, अब इसका आंसर करिए।
अब आप इसे आराम से कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन है जैसे हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया था। कैसे करेंगे इसको हरीश? बहुत बढ़िया, बहुत खूब। 5/18 या 18/5 से कोई मतलब नहीं है इसमें। क्यों मतलब नहीं है? क्यों? क्योंकि ये आपका घंटे में है और ये आपका किलोमीटर में है, तो किलोमीटर पर आवर्स में है तो कोई जरूरत ही नहीं है। अगर दोनों मीटर और सेकंड में होते तो भी जरूरत नहीं होती, ठीक है? तो अब यहां पर आप देखेंगे कि हमें यहां ये कौन सी स्पीड दे रखी है, वो कह रहा है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम 28 किलोमीटर जाती है इतने समय में। तो अगर आपके पास ये डिस्टेंस है, आप ऐसे सोचा करो, ये डिस्टेंस है और ये आपके पास टाइम है, और डिस्टेंस और टाइम से तो आप स्पीड ही निकाल सकते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होगी? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम को आप डायरेक्ट लिख लो x+y। तो x+y इज इक्वल टू डिस्टेंस 28 और टाइम आपका कितना है? 7/3। तो 7/3 से आप इसे डिवाइड करेंगे, 3 ऊपर पहुंचेगा, तो ये हो जाएगा 7 से 4, 4 × 3 = 12। और x की वैल्यू आपको दे रखी है 11। तो क्या हम यहां से y की वैल्यू निकाल सकते हैं? जी हाँ, यही आपका आंसर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, बहुत बढ़िया आशीष, उत्कर्ष, सौरभ। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है? सबसे आसान क्वेश्चन बोल सकते हैं बोट एंड स्ट्रीम का। इससे आसान क्वेश्चन आपको खैर क्या मिलेगा, ठीक है? चलिए, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। इस क्वेश्चन पर हमने दो क्वेश्चन डिस्कस किए। टाइप वन चल रहा है जिसमें हमें सीधे बोट और स्ट्रीम की स्पीड का मतलब होता है। अब इसी का हम आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं, वो दूसरा क्वेश्चन आपका कैसे आता है। ये देखो, इस क्वेश्चन को करो। अब ये देखिए, ये आपका टाइप वन का दूसरा क्वेश्चन करिए। एक नाभिक को नदी के प्रतिकूल 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं। आप ऐसे सोचा करो, ये क्या है? दूरी, और ये क्या है? टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम से आप क्या निकाल सकते हैं? धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में उसे 5 घंटे लगते हैं। तो रुके हुए पानी में रोवर की गति क्या होगी? नाविक, इट टेक्स 8 आवर्स फॉर अ रोवर टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम ऑफ अ रिवर व्हाइल इट टेक्स 5 आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ रोवर इन स्टैग्नेंट वाटर? अब आप हमें ये बताइए कि यहां पर हमें क्या क्या दे रखा है। कभी भी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये जरूर देखो आपको दिया क्या है। बच्चे इसमें यही गड़बड़ करते हैं और आइडिया नहीं लगा पाते कि करना कैसे है। तो ये डिस्टेंस है और ये आपका टाइम है, और डिस्टेंस और टाइम से क्या निकलती है? स्पीड। अब ये स्पीड कौन सी होगी? धारा के प्रतिकूल, यानी कि अपस्ट्रीम। तो यानी कि आपको यहां से जब आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो अपस्ट्रीम स्पीड आएगी। डिस्टेंस 60 × 8, तो 60/8 यानी कि 7.5 किलोमीटर पर आवर्स। अब दूसरी कंडीशन में वही डिस्टेंस है और टाइम 5 आवर्स है, लेकिन ये क्या है? अनुकूल, यानी कि डाउन स्ट्रीम। तो यहां से डाउन स्ट्रीम की स्पीड आएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये कितनी आएगी? 12। तो यू की वैल्यू, ये डी की वैल्यू। अब यू की और डी की वैल्यू पता है और हमें पूछी है स्पीड ऑफ रोवर, यानी कि रोवर मतलब यहाँ पे नाविक। नाविक का मतलब हो गया जो बोट चला रहा है, यानी कि बोट की स्पीड। और बोट की स्पीड क्या होगी? एक्स, और एक्स इज इक्वल टू डी प्लस यू बाई टू। तो डी की वैल्यू 7, डी की वैल्यू आपको 12 दे रखी है, और u की वैल्यू 7.5/2, 19.5 यानी 9.75। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सौरभ, हर्षिता, बहुत बढ़िया। अब बताइए, कुछ कुछ समझ में आया? क्योंकि तो दो क्वेश्चन करने के बाद चीजें क्लियर हो जाती हैं। एक क्वेश्चन से थोड़ा थोड़ा समझ में आता है और दो के बाद आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब बताइए, वेरी गुड। चलिए, अब आंसर आ रहे हैं, अच्छी बात है। तो ये तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, कहीं कुछ खास नहीं है, बस आपने एक बार पढ़ा होना चाहिए। अगर आपने इन क्वेश्चन को एक बार पढ़ा है तो आप इन्हें बहुत ही आराम से, सुकून से कर सकते हैं। यस सर, वेरी गुड। क्या अब आप बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन कर सकते हैं? क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम आपको देने वाले हैं वो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है,
और हमें उम्मीद है कि आप सब कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये देखिए, इसे बताइए, इस क्वेश्चन को कौन करेगा? थैंक यू आशीष। यूपी पुलिस का टारगेट बैच जल्दी आएगा लोकेंद्र, अभी थोड़ा वेट करो मेरे भाई। पहले क्वेश्चन को सुकून से पढ़ो। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, चाहे वो टीएसडी हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस, चाहे बोर्ड, क्योंकि वो सुकून से पढ़ते नहीं है, वो सीधे सोचते हैं कि यहां पर कैसे होगा। पहले ये देखो आपको क्वेश्चन में दिया क्या है। अब जैसे ये देखो, सुरेश कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर। डायरेक्शन ऑफ रिवर मतलब सेम डायरेक्शन यानी अपस्ट्रीम। इन 4 आवर्स 15 मिनट्स बाई अ लग्जरी बोट। क्या बात है, सुरेश एक लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में नदी की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब आप देखो क्या दिया है, डिस्टेंस टाइम। डिस्टेंस और टाइम से क्या निकलेगा, स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन यहाँ टाइम में गेम है, 15 मिनट। जब कभी ये मिनट में दिया गया है तो इसको घंटे में चेंज कर लो। तो घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करोगे 1/4, तो ये हो गया 17/4 घंटे। ठीक है, और दूरी कितनी है 34, और नदी के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 10 मिनट। अब 3 घंटे तो ठीक है, लेकिन जो 10 मिनट है उसे आप घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड, तो ये 3/1/6, ये आपका हो गया 19/6 आवर्स। अब आप इसे आराम से कर सकते हैं। सौरभ, ऋतिक बहुत बढ़िया, आशीष, हरी, संदीप, हर्षिता, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब महारथियों, वाह क्या बात है। चलिए तो अब हम कैसे निकालेंगे स्पीड। स्पीड यहां पर कौन सी है, अप, और यहां पर क्या है, अपोजिट, अरे उल्टा है क्या, अप है डाउन है। सुरेश कवर अ डिस्टेंस ऑफ 34 इन डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन है, ये अप नहीं है, ये यू है, यू नहीं है सॉरी, ये डी है, और ये अपोजिट डायरेक्शन जो आपका होगा ये होगा अप स्ट्रीम। उल्टा लिख दिया हमने। चलिए तो डी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 34, टाइम कितना है भैया जी, 17/4। गेम हो गया खत्म, 4 पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 8। यू की बात करेंगे, डिस्टेंस 19, टाइम कितना है 19/6, तो 19/6 करोगे 6 ऊपर, ये कितना हो गया 6। अब डी पता है, यू पता है, पूछा क्या है, स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, नदी की स्पीड यानी वाई पूछा है, तो वो क्या होगा, डी माइनस यू बाई टू। अब ये लिखने की जरूरत थोड़ी है, ये तो मन में ही हो जाएगा। ठीक है, 1, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके रेहान, चलिए है ना आसान क्वेश्चन, ये तो आसान क्वेश्चन है। दोनों जल्दी से बताओ, किसी बच्चे को अब इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, अभी हमने 2 क्वेश्चन आपके डिस्कस किए हैं, और इन 2 क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। ठीक, चलो अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मजेदार कर देते हैं। ये सीजीएल मेंस में आया था क्वेश्चन, मतलब बेसिक में से ये आपका सीजीएल मेंस में पूछा जा चुका है। अब इस क्वेश्चन को देखो, अभी ये रेलवे के क्वेश्चन थे, ये सीजीएल मेंस का है, तो कहीं कुछ खास नहीं है, आप सुकून से पढ़िए, आप कर सकते हैं। अभी रो अपस्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 28 किलोमीटर इन 4 आवर्स एंड डाउन स्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 50 इन 2 आवर्स। तो डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस और टाइम। अभी धारा के प्रतिकूल 4 घंटे में 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 50। तो ये तो बिना पेन के मन से भी, मन में भी निकाल सकते हो। ये प्रतिकूल यानी कि अपस्ट्रीम, ये क्या होगा, डिस्टेंस, स्पीड निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम पता है तो स्पीड ही निकल सकती है। तो 28/4, ये आपका हो गया 7, यू की वैल्यू हो गई 7। दूसरी कंडीशन में डाउन स्ट्रीम 50 इन 2 आवर्स, तो 50 को 2 आवर्स में कवर करोगे तो ये हो गई 25। अब आपको डी की वैल्यू पता है, यू की वैल्यू पता है, अगर हमसे बोट या स्ट्रीम की स्पीड पूछेगा तो अब हम इसे आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें पूछा क्या है,
टू रो अ डिस्टेंस ऑफ 44 किलोमीटर इन स्टिल वाटर ही विल टेक, शांत जल में इतने किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा। तो आपको निकालना है टाइम, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपको दे रखी है 44.8 किलोमीटर, स्पीड कौन सी लेंगे? इसने कहा है इन स्टिल वाटर, यानी कि अगर जल शांत है, नदी बह नहीं रही है, तो उसमें उस कंडीशन में उसको कितना टाइम लगेगा। तो शांत जल में नाव या नाविक की जो गति होती है वो होती है एक्स, और वो होती है डी प्लस यू बाई टू, यानी कि 7 प्लस 25 बाई 2, यानी कि 16, और 16 से डिवाइड करेंगे 16 दूनी 32, 16 टेक्स 28, 2.8 आवर्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये तो आसान था, सब आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2.8 आवर्स। अंशुल, उत्कर्ष, लोकेंद्र, हरिओम, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए अब बताइए, ये सबको क्लियर है, आसान है? अभी हमारा टाइप वन चल रहा है, इसमें टोटल आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से आपको हम एक बार फिर दिखा देते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन था जो आपका बिल्कुल डायरेक्ट था, है ना, जिसमें हमें सीधे सीधे एक्स प्लस वाई दे करके एक्स या वाई की किसी की वैल्यू पूछ सकता है। दूसरे क्वेश्चन में आपको डी और यू निकालना पड़ता है, और डी और यू निकाल करके वो आपसे बोट और स्ट्रीम किसी की वैल्यू पूछ सकता है। अब इसी का जो तीसरा क्वेश्चन बनता है वो थोड़ा सा मजेदार है, और वो काफी एग्जाम्स में देखा भी जाता है, और इन 3 क्वेश्चन के बाद आपका पहला टाइप खत्म हो जाएगा। ये क्या है? अच्छा देखिए बच्चों, ना एक बात ध्यान रखना, टेलीग्राम पे से रिलेटेड शायद बहुत सारे बच्चों को भी इंफॉर्मेशन नहीं, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारे हमारे नाम से ग्रुप बने हुए हैं, तो आप इसके बाद चेक कर लीजिएगा। ये सर्च करिएगा अद्वितीय वशिष्ठ मैथ्स विदाउट स्पेस, टेलीग्राम पे जाइएगा, विदाउट स्पेस इसे सर्च कीजिएगा और आपको मिल जाएगा। बाकी इंस्टा और फेसबुक का आपको पता ही है ना। तो ये टेलीग्राम, जैसे कि ये जब हम क्लास खत्म होती है तो इसकी पीडीएफ वहां अपलोड करते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर पीडीएफ हमें कहाँ मिलेगी इसकी, तो वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, ठीक है? तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, और बाकी हम कमेंट सेक्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डलवा देते हैं, और साथ में आपके जब क्लास एंड होगी ना तो उसमें कमेंट बॉक्स जो होगा वहां इसका लिंक डलवा देंगे, साथ डायरेक्ट क्लिक करके आप वहां से जा सकते हैं। तो ये आप सीधे यहां से कर सकते हैं, बाकी इंस्टा वगैरह आपको आपको पता ही है। चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है, और ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, ठीक? ये देखो पहले इसको समझो। अ बोट कवर 44 डाउन एंड 40 अप इन 12 आवर्स। अब पहले ये समझिए, व्हाइल इट कवर्स 55 डाउन एंड 30 अप इन 11 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। द एक नाव धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करती है। एक कंडीशन तो ये दे दी, और दूसरी कंडीशन 55 किलोमीटर अनुकूल 30 किलोमीटर प्रतिकूल 11 घंटे में तय करती है। पहले इसका मतलब समझिए, ध्यान से देखिएगा। यहां पर ये कह रहा है कि एक आदमी पहले डाउन स्ट्रीम 44 किलोमीटर जाएगा। पहले इसको समझिए, ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है कितना, 44 किलोमीटर। यहां जाने में उसे कुछ टाइम लगेगा, और उसके बाद फिर वो 40 किलोमीटर लौटेगा, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम लौटेगा, तो यहां भी कुछ टाइम लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा भाई? अगर आप 44 किलोमीटर जाकर के फिर 40 किलोमीटर लौटोगे, तो जाने की स्पीड अलग है, आने की स्पीड अलग है, तो जाने का टाइम अलग होगा, आने का टाइम अलग होगा, लेकिन उन दोनों टाइमों को मिलाकर के उसने दे रखा है 12 घंटे। तो T1 प्लस T2 आपको दे रखा है 12 घंटे, पहली कंडीशन। ये क्वेश्चन को पहले समझो, तब तक क्वेश्चन नहीं समझोगे तब तक आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते। दूसरा ये है 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 30 अप। अगर वो 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है तो वहां कुछ टाइम लगेगा, और 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम आता है तो वहां भी उसे कुछ टाइम लगेगा, और इन दोनों टाइम का जो टोटल दे रखा है वो दे रखा है 11 घंटे, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्मल हमारा बेसिक इक्वेशन वाले जो क्वेश्चन बनते हैं, वैसी हमारी यहाँ पर दो इक्वेशन बनती हैं। तो जाने का और आने का टोटल टाइम हमें 12 घंटे दे रखा है। अब जाने का टाइम कैसे निकालोगे?
जाने की डिस्टेंस अपॉन जाने की स्पीड। तो ये टी वन प्लस टी टू जो है, पहले समझिए इसको, यहां पर आपको टी वन प्लस टी टू दे रखा है। तो जाने का टाइम क्या होगा, जाने की डिस्टेंस 44 अपॉन जाने की स्पीड डी, तो 44 अपॉन डी प्लस आने का टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 40 अपॉन यू, और ये टोटल दे रखा है 12 घंटे। दूसरा, अब यहां पर दूसरी कंडीशन में जाने की डिस्टेंस अपॉन जाने का टाइम, तो 55 अपॉन डी, और यहां पर आने की डिस्टेंस अपॉन आने का टाइम 30 अपॉन यू, ये आपको दे रखा है 11। अब हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी हमें एक्स की वैल्यू पूछी है। तो एक्स की वैल्यू होती है डी प्लस यू बाई टू। तो अगर हमने यहाँ पर डी और यू की वैल्यू निकाल ली, तो हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बताइए क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? जी हाँ, हम सभी इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे सॉल्व करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसे सॉल्व करने के भी दो तरीके हैं, एक तो नॉर्मल तरीका जैसे हम सॉल्व करते हैं, और एक होता है हिट एंड ट्रायल, है ना, हिट एंड ट्रायल से भी जा सकते हैं। नॉर्मल तरीका जैसे कि यहाँ पर बराबर में परफेक्ट नंबर है, बराबर में जो परफेक्ट नंबर होते हैं तो हिट एंड ट्रायल हमारा इजीली हो जाता है, लेकिन अगर बराबर में कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू हो, ये भी पॉइंट्स में हो, तो हिट एंड ट्रायल आपका फिर आपके लिए वो टाइम टेकिंग हो सकता है। तो इसलिए आपको बेसिक मेथड इस क्वेश्चन में आना चाहिए। यहाँ वैल्यू ईजी है, आप हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर यहीं पर वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड होती, ये पॉइंट्स में होता, ये फ्रैक्शन में होता और वो सब होता, तो फिर आपके लिए हिट एंड ट्रायल कॉम्प्लिकेटेड होता, तो फिर आपको बेसिक मेथड ही इसमें यूज करना पड़ता, और अच्छा क्वेश्चन पूछना होता है तो वो ऐसा गेहल कर देता है। तो आपको बेसिक मेथड भी इसका आना चाहिए। बाकी हिट एंड ट्रायल ऐसा है, अब जैसे हिट एंड ट्रायल कैसे लगाएंगे, आप एक ऐसा नंबर सोचो डी की वैल्यू ऐसी होगी जो 44 और 55 दोनों को काटती हो। तो 44 और 55 को काटने वाला नंबर क्या हो सकता है, 11। तो डी की वैल्यू 11 हो सकती है, ठीक है। अगर आप डी की जगह 11 रखते हो, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, किसी में रखो, तो अगर आप यहां पर 11 रखोगे, सोचो डी की जगह आप 11 रखते हो, तो 11 से ये कितने बार कटेगा, 4 बार, और टोटल कितना है 12। तो 4 को 12 करने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 8, यानी कि इसकी वैल्यू 8 होनी चाहिए, और इसकी वैल्यू 8 करने के लिए यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5, 5 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 8। तो यहाँ पर डी की वैल्यू 11 रखने पर और यू की वैल्यू 5 रखने पर ये सेटिस्फाइड हो रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरे में भी ये 11 और 5 रख के देखेंगे, अगर ये भी सेटिस्फाइड हो गया तो आप जो सोच रहे हैं वो सही है। 11 रखोगे ये 5, 5 रखोगे ये 6, और 5 और 6 11, सेटिस्फाइड हो गया, मतलब आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन ये मेथड हमने आपको क्या बोला कि अगर आपका यहाँ पर इजी नंबर है तो ठीक हो जाता है, लेकिन कई बार वो गेम खेल देता है, तो आपको बेसिक मेथड भी आना चाहिए। तो वैसे तो हमें पता है डी 11 यू 5 यहाँ सेटिस्फाइड हो रहा है, तो 11 प्लस 5 16/2 यानी 8 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन हम इसको डिटेल प्रोसेस से भी कर देते हैं, कैसे, किसी एक को इक्वल कर लो 40 या 30 में से। देखो 40 और 30 को इक्वल करने के लिए यहां 3 का और यहां 4 का मल्टीप्लाई। अब देखो ध्यान से देखो, अब आप एक काम कर सकते हैं, एक काम क्या कर सकते हैं कि जब आप यहां पर 3 का मल्टीप्लाई करोगे 120, यहां 4 का करोगे 120, फिर ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, और जब ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कब, माइनस करने पर, ठीक है। तो अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ये स्टेप छोड़ सकते हैं। अब 3 से ये मल्टीप्लाई करोगे 132 अपॉन डी, और यहां 4 से करोगे 220 अपॉन डी, हमने ये तो कैंसिल कर ही दिया, इसे भूल जाइए। 3 का मल्टीप्लाई करोगे 36, 4 का मल्टीप्लाई करोगे 44, तो यहां पर 8 और यहां पर 88 अपॉन डी, तो डी बराबर 11। तो ये भी आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम नॉर्मली एक काम ये करते हैं कि इस क्वेश्चन में हम जब 3 का और 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 के मल्टीप्लाई से ये 132 अपॉन डी, और ये 120 अपॉन यू, और ये 36। यहाँ 4 के मल्टीप्लाई से 220 अपॉन डी और 120 अपॉन यू बराबर 44। ये हम लिखते हैं, लिखने के बाद फिर ये कैंसिल करते हैं। तो ये वाली स्टेप आप छोड़ सकते हैं, जब आपको पता है ये हम बराबर कर रहे हैं और ये कैंसिल होगा ही होगा, तो इस स्टेप को आप छोड़ सकते हैं।
ठीक है, बिल्कुल रानिक, ठीक है। तो ये हमने आपको डिटेल, बिल्कुल डिटेल इसकी यहां पर ये लिख दी है, लेकिन ये वाली स्टेप जो हम काटते हैं, ये वाली स्टेप हमने यहां पर छोड़ दी है, आगे आप इसे खुद कर सकते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन और देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, जब अच्छा इन द सेंस पैसे टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन इसमें होती है। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा कैलकुलेशन देना चाहता है तब वो आपको ऐसा क्वेश्चन देता है। जैसे ये देखो, ये भी सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसे देखिए, इसके बाद बताना। अ बोट कैन गो 5 किलोमीटर अप, 7.5 डाउन इन 45 मिनट्स। पहले ये देखो, एक नाव 45 मिनट में धारा के प्रतिकूल 5 और धारा के अनुकूल 7.5 किलोमीटर जा सकती है। तो इसका मतलब क्या है, पहले 5 किलोमीटर अप जाएगी और फिर 7.5 डाउन जाएगी। तो यहां पर कुछ टाइम लगेगा, यहां पर कुछ टाइम लगेगा, दोनों का टाइम मिलाकर के 45 मिनट है, ये भी ध्यान रखना, ये मिनट में है। तो जाने का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपकी 5, स्पीड आपकी u, आने का टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 7.5, स्पीड आपकी u, और टोटल टाइम 45 मिनट में है, तो 2/60 कर दो, ठीक है। अब यहां देखो, अब वो कह रहा है यह 25 मिनट में 5 किलोमीटर अनुकूल यानी कि डाउन और 2.5 किलोमीटर प्रतिकूल यानी कि अप, ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, स्पीड आपकी डी है, तो ये डिस्टेंस, ये यहां पर सॉरी डी होगा, डिस्टेंस 5, स्पीड डी, और यहां पर डिस्टेंस कितनी है, 2.5, और स्पीड कितनी है आपकी यू। अब ये बताइए, यहां लग रहे हैं 25 मिनट। अब आप क्या इसे हिट एंड ट्रायल से जा सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज हैं, तो हिट एंड ट्रायल से जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, और हो सकता है वो आपका इतना टाइम टेकिंग हो जाए कि आप नॉर्मल तरीके से आप उसे जल्दी कर लें। तो इसलिए कभी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू हो, इजी वैल्यू है तो हिट एंड ट्रायल लगाइए, कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज हैं तो फिर आप नॉर्मल मेथड से कीजिए। अब बताइए, तो उसने पूछा है धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। उसने हमसे बोट और स्ट्रीम की स्पीड नहीं पूछी, उसने हमसे पूछा है टाइम, और वो टाइम किसका, 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, डिस्टेंस 6, स्पीड यू, तो हमें यू की वैल्यू निकालनी है। अब बताओ कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या बताया था, u की वैल्यू निकालनी है तो d को हटा दो। d को कैसे हटाओगे बताओ, d को हटाने के लिए 7.5 और 5 को बराबर करो, ये कहां बराबर होंगे, 15 पर, 15 करने के लिए यहां 2 का और यहां 3 का मल्टीप्लाई, और 2 और 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद ये बराबर हो जाएंगे। फिर इसको जब हम माइनस करेंगे तो माइनस करने पर ये हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये एक स्टेप, ये वाली स्टेप जो है ना, बराबर करने के बाद माइनस करने पर ये कैंसिल हो रहा है, इस स्टेप को हम मन में कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, 2 का मल्टीप्लाई 10 अपॉन यू, 3 का मल्टीप्लाई 7.5 अपॉन यू, यहां पर 90/60, यहां पर 50/60, ठीक है, 75 75/60। अब देखिए, ये हो गया 2.5 अपॉन यू, और ये हो गया 15/60, 15 से 4, 4 से 10, यू की वैल्यू होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें निकालना है टाइम, डिस्टेंस 6, स्पीड 10, तो ये इतना घंटे में आएगा, जबकि आंसर जो पूछा है वो मिनट में पूछा है, तो मिनट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई, 36 मिनट, यही आपका आंसर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, और अब हमें कंफर्म कीजिए कि ये क्वेश्चन अब आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसमें बस ये समझना है कि ये बेसिक मेथड आपको आना चाहिए, लेकिन इसको थोड़ा सा आप शॉर्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो अब आप ध्यान दीजिए। अब बताइए, टाइप वन में ये तीसरा ही क्वेश्चन आपका मजेदार है, इसमें दो आपकी इक्वेशन बनती हैं, और ये दो इक्वेशन बनने के बाद आपको इसे सिंप्लीफाई करना पड़ता है, यही थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, बाकी तो सब आसान है। अब बताइए, सबको क्लियर है, जल्दी से बताइए,
एक बार स्पीड से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले 5 किलोमीटर डाउन जाते हैं, 5 किलोमीटर अप, 7.5 डाउन, तो 5 किलोमीटर जाने का टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 7.5 आने का डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों का टोटल टाइम दे रखा है। सेम यहां पर आपको दे रखा है 90/60 आया सर, हमने क्या लिखा है 90/60 तो लिखा है, ठीक लिखा है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं ना, आप एक स्टेप करते हैं, आप इसमें ये वाली स्टेप करते हैं, जब 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 10/u और 15/d और ये 90/60, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 7.5u 15/d और 75/60। हम ये कह रहे हैं कि ये वाली स्टेप क्यों फालतू में कर रहे हो, जब हमें पता है कि हम इसको बराबर कर रहे हैं और बराबर करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर इसे लिखने की आवश्यकता क्या है, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिए, जब हमें पता है कि हम इसको इक्वल कर रहे हैं और इक्वल करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, तो इस लाइन को हम क्यों लिखें, हम क्यों ना उस पर फोकस करें जो कैंसिल नहीं होगा। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमने डायरेक्ट यहां पर लिखा है, बाकी कुछ भी स्पेशल नहीं है। 90/60 इसलिए आया क्योंकि ये मिनट में है, 45 मिनट, 25 मिनट, और मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। और क्यों घंटे में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारी डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है, तो टाइम हम घंटे में ले रहे हैं, तो किलोमीटर पर आवर की वजह से ये हम इसको घंटे में चेंज कर रहे हैं। चलिए, हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ही समझ लीजिए, एक तरीके से लीनियर इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक होता है। अब देखिए टाइप टू, ये बहुत आसान है, इसमें बहुत वैरायटी क्वेश्चन होते नहीं, लेकिन हम आपको बताते हैं। ये सेकेंड टाइप देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले एक चीज देखो, पहले क्वेश्चन में ये वो आपसे कहता है कि एक नाव कोई डाउन स्ट्रीम गई और जितनी दूरी गई उतनी ही दूरी अप स्ट्रीम लौटी। अब समझिए कि अगर आप डाउन स्ट्रीम गए हैं तो आपकी स्पीड क्या होगी, एक्स प्लस वाई, अप स्ट्रीम आए हैं तो आपकी स्पीड क्या होगी, एक्स माइनस वाई। जाने में कुछ टाइम लगा होगा, आने में कुछ टाइम लगा होगा, तो जाने की स्पीड में टाइम का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, डिस्टेंस। आने की स्पीड में टाइम का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, डिस्टेंस। और डिस्टेंस दोनों में क्या है, बराबर। और अगर वो हमसे ये कहता है कि कोई नाव जितनी दूरी जाती है डाउन स्ट्रीम उतनी ही दूरी अप स्ट्रीम लौटती है, ध्यान दीजिएगा, अगर नाव और धारा इस टॉपिक के किसी क्वेश्चन में आपसे ये कहा जाए कि कोई नाव जितनी दूरी गई उतनी ही दूरी वापस लौटी, जितनी दूरी गई उतनी ही दूरी वापस लौटी, सबसे पहले अगर किसी क्वेश्चन में ये दिया जाए, तो आपको यहां पर 4 चीजों की जरूरत होती है, x प्लस वाई टी वन टी टू, यानी x की वैल्यू बोट की स्पीड, y स्ट्रीम की स्पीड, टी वन जाने का टाइम, टी टू आने का टाइम। तो ये जाने की स्पीड इंटू टाइम, आने की स्पीड इंटू आने का टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम क्या होगा, डिस्टेंस। और डिस्टेंस अगर वो क्वेश्चन में बराबर बोल देता है, तो बराबर बोल देता है तो इसका मतलब x प्लस वाई इंटू टी वन और x माइनस वाई इंटू टी टू बराबर होगा, होगा नहीं होगा। और अगर ये बराबर है, ठीक है, तो हमें इसमें 4 चीजों में से 3 चीजें पता होनी चाहिए। 4 चीजें क्या हैं, x y t1 t2, और 4 में से अगर 3 चीजें पता हैं तो चौथी चीज को हम चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो अगर कभी बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन में दूरी बराबर दी जाए और दूरी बराबर देकर के इन 4 में से कोई 3 चीजें आपको दी जाए, तो आप इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, ठीक है। चलो अब देखो, एक नाव धारा के प्रतिकूल चलती हुई एक दूरी तय करने में इतने मिनट का समय लेती है, जबकि धारा के अनुकूल शुरुआती बिंदु पर वापस आने में इतने का समय लेती है, तो शांत जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात। अब समझिए, अ बोट मूविंग इन अपस्ट्रीम टेक्स इतना टाइम टू कवर अ डिस्टेंस व्हाइल इट टेक्स 4 आवर्स टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि जहां से चली थी वहीं लौटकर आ रही है, तो ये दूरी दोनों में क्या हो गई, इक्वल। तो जाने की दूरी और आने की दूरी क्या हो गई, बराबर। हमें जाने का टाइम पता है, हमें आने का टाइम पता है, तो जाने का टाइम आने का टाइम पता है, और हमसे रेशियो पूछा है स्पीड ऑफ बोट टू स्ट्रीम, यानी एक्स स्पीड की बोट, वाई स्ट्रीम की स्पीड।
स्पीड ऑफ बोट ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम नहीं, एक्स और वाई का रेशियो पूछा है, तो क्या अब हम इसे कर सकते हैं? जी हाँ कर सकते हैं, हमारे पास टी वन है, टी टू है, एक्स और वाई, अगर ये चारों चीजों का यूज हो रहा है तो आप सीधे इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। अब टी वन की वैल्यू 8 घंटे 48 मिनट है, अब ये मिनट में है तो 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो 12 से ये 4 और 12 से ये 5, तो ये हो गया 44/5 आवर्स, और दूसरा दे रखा है 4 घंटे। अब आप कर लीजिए, तो जाने की दूरी जो होगी, जाने की स्पीड x प्लस वाई इंटू जाने का टाइम 44/5, सॉरी ये जो आपका टाइम है ये आपका प्रतिकूल यानी अपस्ट्रीम का टाइम है, तो अपस्ट्रीम की स्पीड होगी x माइनस वाई और टाइम होगा 44/5, और ये जो टाइम है आपका 4 घंटे ये डाउनस्ट्रीम का है, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड होगी x प्लस वाई और आने का टाइम 4 घंटे। खत्म, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, अब आप इसे आराम से कर सकते हैं। वेरी गुड अंशुल, हर्षिता, उत्कर्ष, सौरभ, बहुत बहुत बढ़िया। अब इसमें कुछ नहीं है जो हम आपको बताएंगे, एक लाइन का क्वेश्चन है, 4 से ये 11 बार, तो ये 5 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 5x+5y, 11 का मल्टीप्लाई 11x-11y। अब आप यहां से देख सकते हैं 11 में से 5 जाएगा 6x और ये 11 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 16y, तो x और y का रेशियो 16:6 का यानी कि 8:3 का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये आपका आंसर हो गया। बहुत खूब, जल्दी से नोट कीजिए और अब हमें बताइए। तो ये क्वेश्चन ना एग्जाम में कंपैरेटिवली कम देखा गया है इस पैटर्न क्वेश्चन, क्योंकि 1 और 3 टाइप से आते हैं, लेकिन जब आता है तो दिक्कत कर देता है, अब नहीं करेगा। सिंपल फंडा, अगर कोई बोट जितनी दूरी जा रही है उतनी ही दूरी लौट कर आ रही है, तो जाने की स्पीड इंटू जाने का टाइम, आने की स्पीड इंटू आने का टाइम बराबर हो। खत्म। अगला करोगे, अगला क्वेश्चन ऐसा ही कुछ होगा, क्या आप करना चाहोगे? अब देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A swimmer swimming in stagnant water at a speed of 9. एक तैराक स्थिर पानी में 9 की गति से जाता है, तो ये x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दी, ठीक है? Given that time taken by him to cover a certain distance in direction of flow, direction of flow मतलब downstream, is half the time taken by cover the same distance in direction opposite, यानी कि upstream. फ्लो ऑफ वॉटर, फाइंड द स्पीड ऑफ वॉटर, स्पीड ऑफ वॉटर यानी कि वाई की वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब यहां पर आप एक चीज देखिए, उसने ये कहा है कि प्रवाह की दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करने में लिया गया समय धारा के विपरीत दिशा में दूरी तय करने में लगने वाले समय का आधा है, यानी डाउन स्ट्रीम में जो उसे टाइम लगेगा और अप स्ट्रीम में जो उसे टाइम लगेगा, तो अपस्ट्रीम में जो भी टाइम लगेगा उसका आधा, तो अगर हम मान लें यहां पर 2 घंटे लगते हैं तो यहां पर कितना लगेगा? 1 घंटा। अगर आप यहां 4 घंटे मानेंगे तो यहां पर 2 घंटे, यहां 6 मानेंगे तो यहां पर 3 घंटे, यहां 1 मानेंगे तो आधा। तो यहां का जो भी समय होगा अपस्ट्रीम में, भाई डाउनस्ट्रीम गया अपस्ट्रीम लौटा, कॉमन सेंस वाली बात है कि डाउनस्ट्रीम में स्पीड ज्यादा होती है अपस्ट्रीम में कम होती है, तो अपस्ट्रीम में समय ज्यादा लगेगा और वो जो समय लगता है अपस्ट्रीम में उसका आधा लगता है डाउन में। लैंग्वेज कितनी ज्यादा दी गई, लैंग्वेज का तो खेल ही होता है, लैंग्वेज छोटी देता आसान लगता, लैंग्वेज बड़ी दे दी टफ लग रहा है। अब बताओ जाने की स्पीड क्या होगी? अब ये बताइए कि जो नाविक है वो गया और वो आया, तो जाने की स्पीड क्या होगी? एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू 9 दे रखी है तो 9+y, आने की 9-y, जाने का टाइम और आने का टाइम, आने का 2 घंटे तो जाने का 1 घंटे। खत्म। दोनों दूरियां क्या हैं? बराबर हैं, बराबर हैं, तो 9+y (1, 9-y (2), तो ये हो जाएगा 9+y (18-2y), तो 3y = 9 और y = 3, ठीक है? एक तो ये तरीका होता है इसका, इसका एक तरीका और भी होता है, पहले आप इसे नोट कर लो, आसान है तो ये क्वेश्चन तो आसान है,
वेरी गुड दीपक, हर्षिता, उत्कर्ष, अंशुल, सौरभ, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आधा टाइम, 2 गुना समय, 3 गुना समय, 4 गुना समय, ऐसा क्वेश्चन वाला ये, यस, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखा भी जाता है। थोड़ा कंपेरेटिवली ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार रिपीट करते हैं। जाने की स्पीड होगी डाउन, नाव की स्पीड पता है स्ट्रीम की बाई, तो 9+ बाई। आने की वही हो जाएगी 9-बाई। आने में जो समय लगा है उसका आधा समय जाने में लगा था, तो आने का समय 2 घंटे मान लेंगे, तो उसका आधा 1 घंटे यहाँ पर हो जाएगा। दोनों दूरियां बराबर हैं, दोनों को बराबर लिख दो, बस वाई की वैल्यू आ जाएगी। एक तो ये तरीका हो गया, एक तरीका और होता है एक तरीका और होता है कि उसने ये कहा है, टाइम के बारे में बोला है, टाइम आधा लगा है, मतलब वहां 2 घंटे तो यहाँ पर 1 घंटे, तो स्पीड जो होगी वो स्पीड उल्टी होगी 2 और 1, यानी कि डाउन की स्पीड अप की स्पीड की डबल होगी। तो आप ऑप्शन से देख सकते हैं कहाँ पर स्पीड डबल आ रही है। जैसे हमें ये पता है कि आदमी की गति 9 है, और अगर आदमी यानी नाव की गति 9 है, स्ट्रीम की स्पीड 10 है, तो जाने में जुड़ेंगी और आने में घटेंगी, डाउन में जुड़ेंगी अप में घटेंगी, और 9 और 10 19, और 9 माइनस 10 माइनस 1, ये तो डबल आ ही नहीं रहा, डबल आना चाहिए, गलत। अगर जाने में 9 में 3 जुड़ेगा 12, और आने में 9 से 3 घटेगा 6, क्या ये डबल है? जी हाँ, यही आपका आंसर। ऐसे भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, है ना, बिना पेन के आप मन में ऐसे भी कर सकते हैं। यहां पर डबल है, कहीं पर ट्रिपल भी हो सकता है, कहीं पर 4 गुना भी हो सकता है, कहीं पर 5 गुना भी हो सकता है। आपको ये लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, आप सीधे सोच सकते हैं कि अप स्ट्रीम में समय 2 गुना लग रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड डबल होगी, और स्पीड डबल होगी तो बस आप आदमी की स्पीड में बोट की स्पीड जोड़कर घटाकर देख लो कहां पर डबल आ रही है, जहां पर आ रही है वही आपका आंसर। ठीक है, चलिए, तो अब ये यहां पर क्लियर हो गया। अब यहां पर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है, और मिसलेनियस क्वेश्चन के लिए हम आपको पहले एक चीज बता देते हैं, ये लास्ट पैटर्न है ना मिसलेनियस यहां, लेकिन क्वेश्चन थोड़े अच्छे बनते हैं, और मिसलेनियस कुछ स्पेशल नहीं है, जो भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में आप पढ़ते हैं ना उसी का टोटल फॉर्मेट होता है। हम आपको 2-3 चीजें बता रहे हैं इसमें। देखो, एक तो ये समझ लो कि अगर कोई आदमी एक दूरी जा करके दूसरी दूरी लौट रहा है, इसमें 3 चीजें बनती हैं। देखो, पहली चीज तो है जाने की स्पीड S1 है, आने की स्पीड S2 है, ठीक है, और यहां पर आपसे एवरेज स्पीड पूछी जाए। वैसे ये सब टाइम स्पीड डिस्टेंस में पढ़ा हुआ होता है, औसत चाल। एवरेज स्पीड को क्या बोलते हैं? औसत चाल। तो बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं, लेकिन ये में फॉर्मूला आसान होता है, और तो आप वो भी कर सकते हैं, 2S1S2/S1+S2, एक तो ये लिख लो, ठीक है। दूसरा, अगर आप एक ही दूरी को जाने में कुछ समय लग रहा है और वही दूरी को लौटने में कुछ और समय लग रहा है, ठीक है, एक ही दूरी को जाने में कुछ समय लग रहा है, लौटने में कुछ और समय लग रहा है, तो वैसे कायदे में होता है T1+T2=TT, यानी जो दोनों का टोटल टाइम लग रहा है वो आपको दिया जाएगा, जैसे अभी क्वेश्चन में दिया गया था। तो यहां पर आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस डी है, स्पीड आपको दी होगी S1 S2, जाने की आने की, ठीक है, एक तो ये लगा सकते हैं। लेकिन यहां से अगर वो डायरेक्ट आपसे डिस्टेंस पूछता है तो आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड सम ऑफ स्पीड इनटू टाइम, ये याद रख लीजिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। लेकिन सेम वही क्वेश्चन में एक ही दूरी को जाकर के आप वही दूरी लौट रहे हैं, तो जाने में कुछ समय आने में कुछ समय लगेगा, क्योंकि दोनों में स्पीड अलग अलग है। और अगर यहां पर टाइम का अंतर दिया जाए, तो टाइम का अंतर अगर आपको दिया जाएगा तो फॉर्मूला ऊपर वाला ही रहेगा, बस प्लस की जगह नीचे क्या हो जाएगा? माइनस। इन्हें नोट कर लो, ये तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, स्पेशली ये दोनों तीनों ही आपके इंपॉर्टेंट हैं, और ये वैसे भी बिना फॉर्मूले के भी हो सकते हैं, लेकिन इससे आराम से सुकून से हो जाते हैं, तो ये 3 चीजें लिख लीजिए।
ठीक है, ये तीन चीजें लिख लो। पहले में क्या है, आप कोई दूरी गए, मतलब आप घर से स्कूल गए तो आपकी कुछ स्पीड थी, और फिर स्कूल से घर लौटे दूसरी स्पीड से, तो जाने की स्पीड अलग थी, आने की स्पीड अलग थी, तो वहां से एवरेज स्पीड पूछता है। तो आपकी एवरेज स्पीड जो होगी, जो भी स्पीड S1 S2 होगी, उसका 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 करेक्ट निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर आप एक ही दूरी को, यहां सब में दूरियां जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं, एक ही दूरी को किसी स्पीड से जाने में जो टाइम लगता है और उसी दूरी को दूसरी स्पीड से जाने में जो टाइम लगता है, अगर उन दोनों टाइम का टोटल दिया जाए और फिर आपसे दूरी पूछी जाए, तो डी इज इक्वल टू दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई अपॉन, अगर सम दिया है तो नीचे प्लस इंटू टाइम, और अगर अंतर दिया है तो नीचे अंतर इंटू टाइम। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे होते हैं। ठीक है, चलो नोट हो गया होगा सबका। अब देखो ये रेलवे में पूछा गया, देखो दिखने में अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दमदार नहीं है लेकिन दिखने में अच्छा क्वेश्चन है, और रेलवे में पूछा गया है, रेलवे और सीजीएल में, रेलवे में भी कुछ अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको कई बार अब सीजीएल में भी आपको सेम पैटर्न क्वेश्चन मिलते हैं। अब ये देखो, द स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर इज एक्स एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज वाई। स्थिर जल में नाव की गति एक्स है और धारा की गति वाई है। इफ अ पर्सन मूव्स अ सर्टेन डिस्टेंस अपोजिट इन स्ट्रीम एंड देन रिटर्न द सेम डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, फाइंड हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी। यदि एक व्यक्ति धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करता है, फिर वही दूरी धारा के समान दिशा में लौटता है, तो यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है? तो सबसे पहले तो ये समझ लिए, वो जितनी दूरी गया है उतनी ही दूरी लौटा है, यही कहा गया है। अब नाव की जाने की जो स्पीड होगी, एक साइड में डायरेक्शन में डाउन स्ट्रीम और एक डायरेक्शन में उसकी क्या हो गई, अप स्ट्रीम। ठीक है, तो उसने ये कहा है कि एक ही दूरी को, दूरी दोनों कंडीशन में क्या है, इक्वल, जितनी दूरी गया उतनी दूरी लौटा, तो एवरेज स्पीड शॉर्ट में लिख देते हैं, एवरेज स्पीड को शॉर्ट में AS लिख देते हैं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड आपकी क्या होगी, 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। ठीक है, 2S1 S2 आपने XY में पढ़ा होगा, 2XY अपॉन X+Y। अब आप करिए, तो 2S1 S2 का मतलब क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे X+Y X-Y मतलब X2 - Y2, दोनों का सम करोगे S1 प्लस S2 करोगे, तो Y से Y कट जाएगा, 2X क्या हो जाएगा, 2X, 2 से 2 कैंसिल, तो X2 - Y2 अपॉन X, तो X2 - Y2 अपॉन X, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बताइए, गलत कर दिया, 2XY कहां से ले आए महारथियों, नीचे ऑप्शन बी कैसे टिक कर दिया, हमें लगा गलत नहीं आएगा किसी का, अच्छे बच्चों ने भी गलत कर दिया, तो क्वेश्चन में एक्स और वाई की वजह से गलत हो गया, केवल और केवल क्वेश्चन में एक्स और वाई की वजह से गलत हुआ है, बाकी अगर ये नंबर में होता तो आपसे ये गलती नहीं होती। चलिए, तो सबको क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन देने का तरीका थोड़ा सा अच्छा है। ये देखो, अब ये बताओ, पढ़ा रहे हैं धर्मेंद्र कैडेट बिल पे, कहां से नई नई बातें लाते हो, थैंक यू शिव कुमार, वेरी गुड। चलिए अब बताओ, राम गोज फ्रॉम, अब ये सब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ही है, देने के कहने के लिए बोट एंड स्ट्रीम पढ़ रहे हैं लेकिन है सब कुछ वही जो टाइम स्पीड डिस्टेंस में आप पढ़ते हैं। अब ये सब जितने भी क्वेश्चन है अब सब मजेदार है। राम गोज फ्रॉम प्लेस ए टू बी साइकिलिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 12 एंड देन कम बैक टू प्लेस ए वाइल साइकिलिंग। हिज फ्रेंड गोपी ट्रेवल्स बाई बोट फ्रॉम ए टू बी एंड कम बैक टू लोकेशन ए। ठीक है, तो राम तो साइकिल से जा रहा है, गोपी नाव से जा रहा है। वेयर हिज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 10 एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4, हु विल रिटर्न टू पोजिशन ए फर्स्ट। राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से साइकिल चलाकर स्थान ए से बी तक जाता है, फिर साइकिल चलाते हुए स्थान ए पर वापस आता है।
उसका दोस्त गोपी स्थान ए से बी तक नाव से यात्रा करता है और स्थान ए पर वापस आता है, जहां शांत जल में उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 4 है, तो पहले ए पर कौन लौटेगा? चलिए, तो पहले कौन लौटेगा? दोनों एक साथ जाएंगे, अब बताइए, बताएंगे धर्मेंद्र, चिंता करो जल्दी। ये देखो क्वेश्चन दिखने में कितना मजेदार है और एकदम फर्जी क्वेश्चन, बिल्कुल दम नहीं है इस क्वेश्चन में। ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस और बोट का क्या है कॉम्बो, बाय वन गेट वन फ्री। सबसे पहले एक चीज समझो कि राम जाता है साइकिल से, 12 की स्पीड से जाता है और 12 की स्पीड से आता है, ठीक है, जबकि उसका दोस्त गोपी डाउन स्ट्रीम जाएगा, तो डाउन स्ट्रीम अगर वो जाएगा तो उसकी स्पीड 10+4=14 होगी और आने की स्पीड 10-4=6 होगी, ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास दूरी भी पता है, अब दूरी पता है हमारे पास, नहीं है, नहीं है दूरी ना, दूरी नहीं है, तो दूरी नहीं भी है, तो अगर दूरी दी जाती तो ये क्वेश्चन और अच्छा हो जाता। दूरी दी जाती तो आप क्या करते, फिर उस कंडीशन में आप जाने का टाइम निकालते, आने का टाइम निकालते राम का और गोपी का, फिर चेक करते कौन जल्दी पहुंचेगा। लेकिन 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 जो कमेंट आप करते ना बैच बैच के रिगार्डिंग, लास्ट में कर लेना, अभी थोड़ा पढ़ लिया करो, बीच में डिस्टर्ब होता है इससे, है ना, ओके, ठीक है संजना, धर्मेंद्र, जो भी हो आप। अब सबसे पहले एक चीज समझो, एक कॉमन सेंस वाली बात है, कौन जल्दी पहुंचेगा, जिसकी एवरेज, जिसकी स्पीड क्या होगी ज्यादा, जो ज्यादा स्पीड से चलेगा वो जल्दी पहुंचेगा, जो कम स्पीड से चलेगा वो देरी से पहुंचेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि दोनों को दूरी सेम चलनी है, दोनों एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं फिर वापस लौट आते हैं। तो राम की स्पीड में हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राम 12 की स्पीड से ही गया और 12 की ही स्पीड से आया, तो अगर जाने की और आने की स्पीड सेम है तो उसकी राम की एवरेज स्पीड जो रही होगी पूरी जर्नी की वो सेम रही होगी। अगर जाने की अलग होती आने की अलग होती तो हम एवरेज स्पीड के फॉर्मूले से निकाल सकते थे, लेकिन जाने आने की सेम है तो राम की स्पीड हमें पता है 12 किलोमीटर प्रति आवर, गोपी की स्पीड आप निकाल सकते हैं किस फॉर्मूले से, जो अभी बताया है, ट्वाइस ऑफ S1 S2 upon S1 plus S2। तो गोपी की स्पीड होगी जाने की 14 आने की 6, 14 × 6 upon 14 + 6 यानी कि 20, 2 से ये 10, 14 × 6 = 84/10 यानी कि 8.4 किलोमीटर पर आवर। अब आप देख सकते हैं कि स्पीड किसकी ज्यादा है, स्पीड राम की ज्यादा है, तो जिसकी स्पीड ज्यादा है वो जल्दी पहुंचेगा, यानी कि राम बाबू जो हैं वो गोपी से पहले पहुंच जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, देखो ये सब मत सोचा करो कि हम किस बैकग्राउंड के मैथ के हैं, हम तो आपको बस एक चीज कहते हैं, कोई भी बच्चा चाहे वो 10 साल से मैथ ना पढ़ा हो, 15 साल से मैथ ना पढ़ा हो, तो भी वो बच्चा मैथ सीख सकता है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत बच्चे तो नहीं बोलेंगे, एक्स सर्विस मैन आते हैं हमारे बैचों में, जो एयरफोर्स नेवी वगैरह से रिटायर्ड होते हैं और उसके बाद वो फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, 15-15 साल उन्हें छोड़े हुए हो जाते हैं मैथ्स वगैरह, फिर भी वो एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। कोई भी चीज समझने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम किस बैकग्राउंड से हैं या हमें नहीं आता है, किसी भी चीज को समझने के लिए डेडिकेशन जरूरी है। दो चीजें होती हैं, या तो एक तो ये होता है कि आप लेजी हैं और एक ये होता है कि आप वीक हैं। तो अगर कोई वीक स्टूडेंट है तो वो सीख सकता है नहीं, 100% सीख जाएगा, लेकिन अगर कोई लेजी स्टूडेंट है तो वो जिंदगी में नहीं सीख सकता। तो सबसे पहले जब कभी भी आपको कोई भी चीज की आप प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आप वीक स्टूडेंट हैं या आप लेजी स्टूडेंट हैं। अगर आप वीक स्टूडेंट हैं तो हम 100% गारंटी ले सकते हैं कि आप इम्प्रूव कर जाएंगे, लेकिन अगर आप लेजी स्टूडेंट हैं तो हम 100% गारंटी लेते हैं कि आप में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आप लेजी हैं या वीक हैं। वीक के लिए सॉल्यूशन है, लेजी के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। चलो बस, जैसे टीचर, आप किसी से भी पढ़ो, चलो हमसे पढ़ो चाहे किसी और से पढ़ो, जैसे टीचर कहते हैं उसको फॉलो करो। जब आप टीचर्स की बात को फॉलो करोगे नहीं,
बैच ले लोगे, केवल बैच लेने से सिलेक्शन सबका होने लगता तो फिर बात ही क्या थी। बैच लेने के साथ साथ आपको जो टीचर कह रहे हैं, जिससे भी आप पढ़ते हैं, आप उसको फॉलो कीजिए। अब आप फॉलो करोगे तो आपको सिलेक्शन आराम से होगा। अब टीचर का यहाँ रोल ये होता है कि टीचर एक ऐसा गाइड होता है जो आपकी, जैसे जो आपके एफर्ट्स को मिनिमम कर दे। टीचर का मेन रोल क्या होता है, आपके मिनिमम एफर्ट्स हो और रिजल्ट आपका मैक्सिमम हो, ये टीचर करता है। टीचर ये नहीं करता कि आपको एफर्ट्स लेस बना दे, नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी भी टीचर से बैच लेने से बिना एफर्ट्स के आपका सिलेक्शन होगा, नहीं। टीचर का काम क्या है, आपके एफर्ट्स बिल्कुल मिनिमम और रिजल्ट मैक्सिमम। जैसे आपको मान लो, अगर हम आपको कहें 100 किलो का आपको कोई गेहूं का बोरा है और उस बोरे को हमें मान लो 1 किलोमीटर दूर लेके जाना है, तो यहाँ पर आपका थोड़ा दिमाग का खेल है। हो सकता है कि आप उसे कंधे पे रख के और 1 किलोमीटर दूर तक लेके जाओ और कमर ही आपकी टेढ़ी हो जाए, है ना। वैसे तो 100 किलो ले जाना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। एक तरीका ये है आप साइकिल पे रख के ले जाओ, और एक तरीका ये है कि आप कोई ऐसी चीज पे ले जाओ जिसपे आप और इजीली चला जा सकते। तो यहाँ पर ये एफर्ट की बात है कि आप अपना एफर्ट कहाँ पर मिनिमम लगा सकते हैं। ये नहीं है कि आप कंधे पे रख के ले जा रहे हो तो फिर आपके एफर्ट लगेंगे। चलिए, द स्पीड ऑफ बोट इन इज एक्स किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज वाई। इफ द टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस अप स्ट्रीम इज टी आर मोर देन टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम। क्वेश्चन समझ लोगे, सॉल्यूशन अपने आप हो जाएगा। शांत जल में एक नाव की गति x है और धारा की गति y है, तो जाने की स्पीड, आने की स्पीड, जाने की स्पीड हो जाएगी आपकी x प्लस वाई, आने की स्पीड आपकी हो जाएगी x माइनस वाई। यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब वो कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल किसी दूरी को तय करने में लिया गया समय धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में लिए गए समय से टी घंटे अधिक है। तो ये डाउन स्ट्रीम का टाइम, ये अप स्ट्रीम का टाइम। अप स्ट्रीम में ज्यादा लगेगा तो अप स्ट्रीम का टाइम डाउन स्ट्रीम से कितने घंटे अधिक है, टी। दोनों टाइम का अंतर दे रखा है। हमने अभी आपको बताया था अगर डिस्टेंस इक्वल हो और एक ही दूरी को अलग अलग स्पीड से तय करके टाइम का अंतर दिया जाए तो दूरी क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, अगर माइनस है तो नीचे माइनस इनटू टी, बस खत्म। अब एस वन एस टू दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एस वन माइनस एस टू करोगे तो माइनस करने पर ये आपका एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा टू वाई, और ऊपर आपका क्या आएगा, टी। टी की वैल्यू क्या है, स्मॉल टी। पता, मतलब क्वेश्चन में कुछ सॉल्व भी नहीं करना है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू टी अपॉन टू वाई, ऑप्शन बी। कितना आसान क्वेश्चन है, दिखने में कितना अजीब सा लग रहा है, ठीक है, दिखने में कितना अजीब सा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में सिंगल स्टेप, एक लाइन का क्वेश्चन था। और ये सब रिसेंटली जो पूछे गए ना एग्जाम में, वो क्वेश्चन है। हम आपको यूट्यूब पे, मेन टारगेट हमारा यही होता है कि यूट्यूब पे या क्लास में भी, कि आपको वो कराएं जो रिसेंटली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। विपिन, चलिए विपिन बताते हैं आपको, मजेदार था, आसान था। चलो ये तो पता ही है, अब आपको लास्ट बताएंगे आपको। पहले ये देखो, इन स्टैग्नेंट वाटर द स्पीड ऑफ बोट इज 20। शांत जल में नाव की गति 20 है, शांत जल में नाव की गति 20 है। ये भी वैसे अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी देखे जाते हैं। द बोट ट्रेवल 364 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम एंड देन ट्रेवल्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू इट्स बिगिनिंग पॉइंट। वो कह रहा है कि 364 किलोमीटर गए और फिर 364 किलोमीटर लौटे, यानी दोनों ही कंडीशन में दूरी जो थी वो 364 किलोमीटर थी, ठीक है, और बोट की स्पीड 20 दे रखी है। द टाइम टेकन बाई जर्नी 40 आवर्स, तो जाने का और आने का जो टाइम लगा है टोटल, वो आपका 40 आवर्स दे रखा है, ठीक है। और जाने की स्पीड x हमें पता है और दूसरी स्पीड हमें नहीं पता है, तो जाने की डाउन में होगी 20 प्लस y और अप में होगी 20 माइनस y, ठीक है। तो देखो अब आपके पास तरीका क्या है, ये s1 की वैल्यू हो गई, ये s2 की वैल्यू हो गई। तो अब आप कहेंगे एक ही दूरी को इससे तय कर रहे हैं, तो आप ये लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं हम
मना नहीं कर रहे कि ये नहीं लगा सकते, ठीक है, तो आप ये लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर डिस्टेंस पूछी जाए तो ये फॉर्म लगाना आसान होता है, सीधे सीधे वैल्यू पुट करोगे आ जाएगा। लेकिन अगर इनमें से ही कोई मिसिंग हो तो आप ये फॉर्मूला मत लगाइए, उस कंडीशन में ये वाला लगा लिए T1 प्लस T2 40, और T1 क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 364 अपॉन स्पीड होगी 20 प्लस y, और T2 क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं क्लास में वो जानते हैं, ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, टोटल 40, क्योंकि तो जब ये ऐसा बनेगा तो इसको सॉल्व करने में कोई समझदारी नहीं है। चाहो तो आप यहां से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भी वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको दूरी पूछी जाए तो फॉर्मूला लगाइए, टाइम पूछा जाए तो फॉर्मूला लगाइए, स्पीड में से कोई एक चीज मिसिंग हो या तो लगाइए। लेकिन अगर यहाँ दो, जैसे यहाँ लगाओगे आप 20 प्लस बाई 20 माइनस बाई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने वहां मत लगाइए, वहां में समझदारी नहीं होती। तो ऐसे क्वेश्चन को हम किससे करते हैं बताइए, बताओ ऐसे क्वेश्चन किससे करोगे, बाई ऑप्शन। जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपका बन जाता है, बाई ऑप्शन जाइए, चुटकियों में हो जाएगा। सॉल्व तो कर सकते हैं, सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाई ऑप्शन ये जल्दी होगा। अब बाई ऑप्शन में भी एक तरीका होता है, जब आप वाई की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो पुट करने के बाद वो 364 को डिवाइड करना चाहिए, जैसे 10, अगर यहाँ वाई की जगह 10 लिखोगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस 10 10, और 10 से ही डिवाइड नहीं हो रहा तो इसके चांसेस बहुत कम है। 8 8 अगर रखेंगे तो 20 माइनस 8 12 होगा, 12 से ये कट रहा है, नहीं ये भी गया। 4 रखोगे 20 माइनस 4 16, 16 दूनी 32, 4 और 4 ये भी नहीं कट रहा, गया। 6 रखोगे, इसमें रखो चाहे इसमें, किसी में रखो, इसमें आसान है इसलिए लिख रहे हैं, 20 माइनस 6 14 14, 14 से 14 दूनी 28, 8 और 4 14 6 84 कट रहा है, तो ऑप्शन डी होने के चांसेस ज्यादा हैं। ऑप्शन डी में वाई की जगह हमें रखना है कितना, 6 रख के देखिए, अगर वाई की जगह 6 रख के देखेंगे तो ये हो जाएगा 20 और 6 26, और यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा 14, अब 26 एकम 26, 26 चौका 14 दूनी 28, 14 14 छिंग 84, तो ये आपका 40 घंटे आ रहा है, बराबर में भी 40 है, सेट हो गया यही आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं काफी, इसे नोट कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है ना कि अगर आप नॉर्मल तरीके से जाते हैं तो उसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है, और हम आपको बताएं कि ये हमने आपको लिख के इतना टाइम में बताया है, अगर आपको ये आ जाएगा तो मुश्किल से 10 से 15 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके मीना जी, जल्दी से नोट कीजिए, डन सबको, चलो नेक्स्ट देखो। अब ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये देखो, अ शिप लीव्स ऑन लॉन्ग वॉयज व्हेन इट इज 16 माइल्स अवे फ्रॉम द शोर, अ सी प्लेन्स हुज स्पीड इज 9 टाइम्स दैट ऑफ द शिप इज सेंड टू डिलीवर मेल, हाउ फार फ्रॉम द शोर डज द सी प्लेन कैच अप विद शिप। एक जहाज लंबी यात्रा पर निकलता है, जब वह तट से 16 मील दूर होता है तो एक सी प्लेन जिसकी गति जहाज की गति से 9 गुना है उसे मेल भेजने के लिए भेजा जाता है, समुद्री जहाज समुद्र तट से कितनी दूरी पर जहाज से टकराएगा, मतलब पकड़ लेगा। क्वेश्चन समझिए, जैसे कि कोई ये मतलब कोई आपका सी शोर है, मतलब आप मान लीजिए चेन्नई समझ लीजिए, गोवा समझ लीजिए, गोवा से कोई आपका जहाज निकलता है, और जब वो जहाज 16 माइल्स की दूरी पर होता है तो यहां से हमें एक चीज याद आती है कि कोई चीज मिस हो गई या कुछ हमें उसको मैसेज देना था, तो मैसेज देने के लिए हम यहाँ से एक सी प्लेन को रवाना करते हैं, और उस सी प्लेन की जो स्पीड है वो इसकी स्पीड का 9 गुना है, यानी कि स्पीड अगर इसकी एक्स है तो सी प्लेन की स्पीड आपकी क्या होगी, 2 9x, कितनी है, 9 गुना, ठीक है, आप ये समझ लीजिए। आप ये समझ लीजिए कि इसकी स्पीड जो भी होगी, इसकी स्पीड क्या होगी, 9 गुनी। अब उसने ये पूछा है कि वो कितनी दूरी पर उसको पकड़ लेगा, मतलब ये मैसेज जो है वो कितनी दूरी पर भेजेगा, तो आपको थोड़ा सा भी याद आएगा तो आप समझ पाएंगे, चोर पुलिस वाला क्वेश्चन है, चोर पुलिस वाला भी ऐसे ही होता था कि एक चोर पुलिस से 16 माइल्स दूर है और चोर की स्पीड से पुलिस की स्पीड जो है वो 9 गुनी है,
तो जो भी चोर की स्पीड है पुलिस की स्पीड उसकी 9 गुनी है, तो पुलिस चोर को कितनी दूरी पर पकड़ेगी। तो अगर आपको दूरी निकालनी है तो आपको ये पता है कि ये 9x की स्पीड से जाता है, और 9x की स्पीड से जाता है बस ये निकाल लो कितने समय में पकड़ेगा। तो अगर आपने ये निकाल लिया कि कितने समय में पकड़ेगा, तो टाइम की वैल्यू पुट करेंगे डिस्टेंस आपकी आ जाएगी, और टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब दो लोग सेम डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, माइनस। तो डिस्टेंस कितनी है, 16 माइल्स। स्पीड क्या होगी, दोनों का अंतर 9x माइनस एक्स 16/8x यानी कि 2/x, गेम हो गया खत्म। तो यहां पर आ गया आपका 18 माइल्स, 18 माइल्स पर पकड़ लेगा चोर पुलिस, समझिए ये कहने के लिए आपका बोट एंड स्ट्रीम है। एक्चुअल में ये चोर पुलिस ही है, क्या है ये, चोर पुलिस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप इसे ऐसे समझिए कि एक चोर 16 माइल्स की दूरी पर है, पुलिस चोर की स्पीड से 9 गुनी स्पीड से उसका पीछा करती है, पुलिस उसे कितनी दूरी पर पकड़ लेगी। तो पहले ये निकालो कितने समय में पकड़ेगी, तो समय कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस। डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, गेम खत्म, टाइम आ गया। अब आपके पास टाइम है कि इतने समय में पुलिस उसे पकड़ती है कितने की स्पीड से, 9x की स्पीड से, तो कितनी दूरी पर पकड़ेगी, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, चलिए अब ये बस दो चार अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो अच्छे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं आपके सीजीएल मेंस वगैरह में, या कुछ अच्छा पूछना होगा तो आपसे पूछेगा। वैसे ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये पैसे सीजीएल मेंस में बहुत पहले आया था, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको अभी भी ऑनलाइन टेस्ट वगैरह कहीं देते होंगे तो आपको ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है। ये समझिए, अ बोट स्टार्ट फ्रॉम P2Q डाउनस्ट्रीम एंड आफ्टर 15 मिनट्स रीच्ड एट Q एंड रिटर्न अपस्ट्रीम एंड आफ्टर 15 मिनट रीच्ड एट R। पहले ये समझो, इसका मतलब समझिए, एक नाव धारा के अनुकूल P से Q की ओर चलना शुरू करती है और 15 मिनट बाद Q पर पहुंचती है, और धारा के विपरीत लौटती है और 15 मिनट बाद R पर पहुंचती है। ये समझिए, वो कह रहा है एक नाव डाउनस्ट्रीम गई P से Q, कितने मिनट, 15 मिनट, और फिर अपस्ट्रीम लौटी 15 मिनट और पहुंच गई R पर। तो आपको यहां पर कॉमन सेंस लगाना है कि 15 मिनट हम डाउनस्ट्रीम गए और 15 मिनट हम अपस्ट्रीम लौटे। डाउनस्ट्रीम में स्पीड ज्यादा होती है और अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, कम। तो अगर आपकी जाने की स्पीड ज्यादा थी, आने की स्पीड कम है, और समय आपको दोनों जगह बराबर दिया जाए, तो जाते समय आप जितना पहुंचेंगे, आते समय आप उतनी दूरी तय नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आते में आपकी स्पीड क्या हो गई, कम। तो कॉमन सेंस वाली बात है, जब डाउनस्ट्रीम में आप जितनी दूरी तय करी होगी, अपस्ट्रीम में आप उतनी दूरी नहीं लौटे होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आर पॉइंट पे जब वो लौट कर पहुंचा है तो आर पॉइंट पी से कुछ पहले ही होगा, पी से आगे नहीं होगा, पी के बराबर नहीं होगा, पी से कुछ पहले होगा। और उसने आपको यही बोला है, पी और आर के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, यानी कि ये दूरी 2 किलोमीटर है। तो आप ये कह सकते हैं PQ जो है वो QR में 2 किलोमीटर जोड़ दोगे तो PQ आ जाएगा, और इसी के साथ क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्योंकि तो जाने की दूरी होगी जाने की स्पीड इनटू जाने का टाइम, 15 मिनट, मिनट है तो 60 से डिवाइड। आने की दूरी होगी आने की स्पीड इनटू आने का टाइम, मिनट में है तो 60 से डिवाइड, बस खत्म। चाहो तो आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहां बटे में 4 लिख सकते हो। तो जाने की दूरी हो गई x प्लस वाई इंटू 1/4, और आने की दूरी हो गई x माइनस वाई इंटू 1/4 ये वाली प्लस 2। क्या अब हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? जी हाँ, बस अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करते ही आंसर आ जाएगा। 4 हटाने के लिए बस 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा x माइनस वाई, और इसमें 4 का करोगे 8, x से x कैंसिल, 2y 8, y इज इक्वल टू 4। और यही आपसे पूछा जाता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये बोट एंड स्ट्रीम का, आपने ऑनलाइन टेस्ट वगैरह कुछ देता होगा तो बहुत बार दिखेगा आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, ठीक है, तो ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है,
ये हर बुक में आपको मिल जाएगा, आप कोई बुक खरीद लो उसमें मिल जाएगा आपको, मतलब बहुत फेमस सा क्वेश्चन है ये। चलिए नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। ओके नकुल यशपाल, चलिए ठीक है। अब हमारे कुछ अच्छे अच्छे से क्वेश्चन हैं। वैसे ये आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपको ना कुछ बहुत अच्छा पूछना होगा तब आपसे पूछेगा। नॉर्मली ये बहुत अच्छे एग्जाम में ही पूछ सकता है, सीजीएल मेंस वगैरह में पूछ सकता है। वैसे अभी तक आया नहीं है सीजीएल मेंस वगैरह में भी, सीडीएस में भी आ सकता है आपका, कैट वैट में तो आता ही है, कैट के एग्जाम वगैरह में, एफ कैट वगैरह में आ सकता है, बैंकिंग वगैरह में आ सकता है, मतलब जो कुछ अच्छा पूछना होगा तो ये दो तीन क्वेश्चन हैं, बड़े फेमस से क्वेश्चन हैं ये आपके बोर्ड एंड स्ट्रीम के, ये पूछ सकता है। समझिए, संजू अपनी नाव में यात्रा कर रहा था कि अचानक हवा ने उसकी टोपी को उड़ा दिया और वापस पीछे की ओर बहने लगी। ये होगा, हिंदी सही नहीं है। नाव ने 18 और मिनट तक यात्रा के प्रतिकूल यात्रा जारी रखी। इसके बाद पहले ही, जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसकी टोपी गिर गई है, वह पीछे की ओर लौट आया और टोपी को पकड़ लिया। अगर टोपी ठीक 4.5 किलोमीटर बहती है तो धारा की गति क्या है? क्वेश्चन समझिए। संजू वॉज ट्रेवलिंग इन हिज बोट, सडनली अ विंड ब्लो हिज हैट ऑफ एंड स्टार्टेड फ्लोटिंग बैक डाउन स्ट्रीम। द बोट कंटिन्यू ट्रेवल अप स्ट्रीम फॉर 18 मोर मिनट बिफोर ही रियलाइज हिज हैट हैड फॉलन ऑफ। ही रिटर्न डाउन स्ट्रीम एंड कॉट अप द हैट। इफ हैट फ्लो ऑफ एग्जैक्टली 4.5 किलोमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ करेंट। क्वेश्चन का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि जैसे आप किसी नाव में बैठ के जा रहे थे और अचानक से हवा की वजह से टोपी गिर जाती है, कई बार गिर जाती है, ओके? तो टोपी गिर गई, और टोपी गिर जब गिरेगी नदी में तो वो क्या होगी? जिधर पानी बहेगा उधर ही नव टोपी आपकी बहेगी, ठीक है? तो आप नाव में थे, टोपी आपकी गिरी, टोपी नाव पानी के साथ बहने लगी और आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब अगर टोपी इधर बह रही बही है तो आप उधर जा रहे हैं। अब 18 मिनट के बाद आपको याद आया कि आपकी टोपी थी वो गिर गई। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप टोपी को भूल जाओ या फिर टोपी को लेने जाओ। तो वो टोपी जो है वो किसी संबंध स्पेशल ने आपको गिफ्ट की हुई थी, यानी किसी आपके प्रिय प्रियजन ने आपको वो गिफ्ट किया था, तो आप उसे भूल नहीं सकते। आप वापस जाते हैं टोपी लेने के लिए, और जहां टोपी गिरी थी वहां से टोपी 4.5 किलोमीटर और आगे जाकर के आप टोपी को पाते हैं, नहीं आपको टोपी मिलती है। तो पानी की स्पीड क्या है? अब पानी की स्पीड वही होगी जितनी स्पीड टोपी की होगी, क्योंकि टोपी जो पानी में बह रही है, टोपी की अपनी कोई स्पीड नहीं होती, टोपी पानी में जो बह रही है वो पानी की स्पीड से ही बहती है, ठीक है? तो जिस स्पीड से टोपी चली है उसी स्पीड से आपका पानी बह रहा है। तो इसका वैसे बहुत आराम एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। स्पीड पूछिए ना, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम में आपको हमेशा ध्यान रखना है, जितना टाइम दिया गया है उसके डबल का मल्टीप्लाई कर दो, डबल टाइम लो। जैसे टाइम आपको 18 मिनट बाद उसको रियलाइज हुआ है कि उसकी टोपी गिर गई है, तो जो भी टाइम दिया गया है उसका डबल टाइम आप यहाँ लेंगे बस। तो डिस्टेंस आपकी 4.5 किलोमीटर, टाइम 18 मिनट दिया है तो 18 का डबल 36 मिनट लेंगे, और 36 ऊपर पहुंच जाएगा, 0 से पॉइंट हट जाएगा, 6 से ये 6 बार, और ये हो जाएगा 45/6। 45/6 यानी कि 7.5 किलोमीटर पर आवर। ये इसका शॉर्ट तरीका है। अगर ये टोपी वाला क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ गया तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। इतना ध्यान रखना, जितने समय के बाद उसको रियलाइज होगा, जितने समय के बाद उसको रियलाइज होगा कि उसकी टोपी गिर गई है, उतने ही और समय के बाद वो टोपी को पकड़ लेगा। तो टोटल आपका जो टाइम होगा टोपी को पकड़ने में, गिरने से लेकर टोपी को पकड़ने तक का जो भी टाइम दिया गया है उसका डबल, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए अब आप ये देखिए इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक ये है, मान लो यहां पर टोपी गिरती है पी पॉइंट पर, आप पहुंच जाते हैं क्यू पॉइंट पर, तब आपको याद आता है टोपी गिर गई, तब तक टोपी भी यहां से आगे आर पॉइंट पर पहुंच चुकी होगी, ठीक है? फिर आप टोपी को लेने और आगे जाएंगे, लौटेंगे, तो जब लौटेंगे तो टोपी यहां इंतजार नहीं करेगी और आगे पहुंच चुकी होगी, और वो पॉइंट हमने मान लिया टी।
तो वो कह रहा है पी पॉइंट पे टोपी गिरी थी, जब आप क्यू पॉइंट पे पहुंचते हैं आपको याद आता है टोपी गिर गई है, तब तक टोपी आर पर पहुंच चुकी थी, फिर आप जब टोपी को पकड़ने और लेने जाते हैं तब तक टोपी टी पॉइंट पे पहुंच चुकी थी। तो वो कह रहा है कि टोपी ने यहां से यहां तक जो दूरी तय करी है वो तय करी है 4.5 किलोमीटर। अब इसका लॉजिक समझ लो, लॉजिक की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, आप हैं पी पॉइंट पर, टोपी भी क्यू पी पॉइंट पर, आप पहुंचे क्यू पर, टोपी पहुंची आर पर, तो पहले आप ये निकालिए दोनों के बीच की दूरी क्या है। अब क्योंकि आप जो जा रहे हैं अप स्ट्रीम जा रहे हैं और टोपी जा रही है स्ट्रीम के डायरेक्शन में, अब हमें कैसे पता चला कि आप अप स्ट्रीम है, क्योंकि टोपी अगर नदी की दिशा में जा रही है आप उसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो आप अप स्ट्रीम ही होंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं तो दोनों जुड़ जाती हैं, तो रिलेटिव स्पीड आपकी वाई से वाई कैंसिल वाई हो गई, तो दूरी क्या होगी स्पीड इंटू टाइम, स्पीड आपकी वाई है, टाइम हमने टी मान लिया कि आपको टी टाइम के बाद रियलाइज हुआ कि आपकी टोपी गिर गई है, और वो दे रखा है 18 मिनट। ठीक है, अब यहां पर चोर पुलिस वाला फंडा लग जाएगा, और चोर पुलिस वाला फंडा क्या लगेगा, चोर पुलिस वाला फंडा ये लगेगा कि आप क्यू पॉइंट पर है, टोपी आर पॉइंट पर है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो वाई टी है, और अब आप क्योंकि ऐसे चलेंगे कौन से डायरेक्शन में, आप चलेंगे इस डायरेक्शन में, टोपी भी इस डायरेक्शन में, तो अब आप दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी प्लस, क्योंकि अब आप अप स्ट्रीम में हैं, सॉरी डाउन स्ट्रीम में हैं, एक मिनट, जब आप सेम डायरेक्शन में हैं तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी माइनस, क्योंकि अब आप डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं और टोपी की स्पीड वाई है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी एक्स, तो आप कितने समय में टोपी को पकड़ेंगे, दूरी है वाई टी और स्पीड है वाई टी एक्स टी है, रिलेटिव, ये गलत कर दिया है, रिलेटिव स्पीड वाई नहीं होगी, रिलेटिव स्पीड आपकी एक्स होगी, यहां पर आपकी रिलेटिव स्पीड एक्स आएगी, तो ये एक्स टी होगा, और अगर यहां पर दूरी एक्स टी है, क्या है एक्स टी, ठीक, और टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये टाइम आपका टी आ जाता है। ठीक है, ये हमने डिटेल आपका एक्सप्लेन किया है, इसमें कुछ खास नहीं है, चोर पुलिस वाला फंडा है, पहले आप ये निकालेंगे कि आप अपस्ट्रीम जा रहे हैं एक्स माइनस वाई की स्पीड से, और बोट जो जा रही है वो टोपी जो जा रही है वो वाई की स्पीड से, डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस होगी, रिलेटिव स्पीड हो गई एक्स, तो आप दोनों रिलेटिव एक्स की स्पीड से जा रहे हैं, टी टाइम के बाद आप दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, तो दूरी होगी स्पीड इंटू टाइम, यानी कि एक्स टी। ठीक है, अब आपको पता है कि आप दोनों के बीच की दूरी एक्स टी है, अब चोर पुलिस वाला फंडा लगाएंगे कि दोनों के बीच की दूरी एक्स टी है, रिलेटिव स्पीड क्या होगी सेम डायरेक्शन में माइनस, क्योंकि अब आप भी डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं एक्स प्लस वाई की स्पीड से, इसकी स्पीड वाई, तो ये हो गई एक्स, तो टाइम लगेगा एक्स टी अपॉन एक्स, तो मतलब कहने का मतलब यह है कि जितने समय के बाद आपको रियलाइज होता है आपकी टोपी गिर गई है, रियलाइज होने के बाद टोपी को पकड़ने में भी उतना ही समय लगता है, जितने समय बाद आपको पता चलेगा टोपी गिर गई है उतने ही समय के बाद आप टोपी को पकड़ेंगे, तो टोटल जो टाइम टोपी को बहने के लिए मिलेगा वो जो भी टाइम है उसका डबल मिल जाएगा, बस खत्म। चलिए अच्छी बात है रामियो रोमियो। अब ये देखो एक दो क्वेश्चन और हैं, इन्हें और देखिए, इसके बाद ये खत्म है। ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये भी अच्छे एग्जाम में ही पूछा जाता है, लेकिन ये बहुत आसान है, वैसे इसको ना आप डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे, ये लॉजिक बताया लेकिन डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे। एक जहाज किनारे से 200 किलोमीटर दूर है, वहां एक रिसाव है जो 12 मिनट में इतने टन पानी भरता है, जहाज की औसत गति ज्ञात कीजिए ताकि डूबने से ठीक पहले किनारे पर पहुंच जाए, थोड़ा सा मिसिंग है हिंदी में, इंग्लिश देखो, अ शिप इज 200 किलोमीटर अवे फ्रॉम द शोर, देयर इज अ लीक व्हिच एडमिट इतने टन ऑफ वाटर इन 12 मिनट, तो देखो 60 टन ऑफ वाटर वुड बी सफिशिएंट टू सिंक द शिप, बट देयर इज अ आउटलेट पंप व्हिच कैन थ्रो 12 टन ऑफ वाटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ शिप। समझो क्वेश्चन, हम आपको समझाते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक ये आपका गोवा वाला बीच है, और यहां से गोवा वाले बीच से 200 किलोमीटर दूर कोई जहाज है, इसको ऐसे लो,
यहां से 200 किलोमीटर की दूरी पर बाबूजी एक जहाज है, और इस जहाज को डूबने से पहले कहां पहुंचना है? गोवा वाले बीच पर। तो वो कह रहा है जहाज कितने की स्पीड से चले कि डूबने से ठीक पहले वो गोवा वाले बीच पर पहुंच जाए। तो स्पीड पूछी है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 200 किलोमीटर है, बस आपको टाइम निकालना है। तो आपको ये निकालना है कि जहाज को किनारे पर कितने समय के अंदर पहुंचना है। अब उसने कंडीशन दी है कि 60 टन पानी जहाज में जैसे ही भरेगा जहाज डूब जाएगा, यानी कि 60 टन पानी भरने तक अगर जहाज किनारे पर पहुंच गया तो जहाज डूबने से बच जाएगा, और अगर जहाज में 60 टन पानी किनारे पर पहुंचने से पहले भर गया तो जहाज डूब जाएगा। तो क्लियर फंडा है कि 60 टन वाटर से जहाज डूबता है, तो 60 टन वाटर जहाज में भरने से पहले जहाज किनारे पर होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो जहाज किनारे पर होना चाहिए, तो हमें बस ये पता करना है 60 टन वाटर जहाज में कितने समय में भरेगा। जितने समय में भरेगा जहाज के पास किनारे पर पहुंचने का उतना ही समय है। तो यहां एक सिंपल फंडा दिया है कि 12 मिनट में इतना पानी जहाज में लीक से आता है, और एक पंप है जो जहाज से पानी बाहर फेंकती है, वो 1 घंटे में 12 टन पानी फेंक देती है। तो आप ये समझिए कि लीक बाबू जो हैं वो 12 मिनट में 3 3 बाई 4 टन, और 3 3 बाई 4 टन का मतलब होता है 15/4 टन पानी जहाज में भर देते हैं लीक बाबू। क्योंकि तो एक पंप 1 घंटे के अकॉर्डिंग पंप की स्पीड दे रखी है, तो आप ये निकालिए 1 घंटे यानी 60 मिनट में लीक से कितना पानी भरेगा। तो 12 को 60 करने के लिए 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 75/4 टन पानी लीक से जहाज में भर जाएगा। कितने टाइम में? 1 घंटे में। और पंप जो है वो लीक के साथ पंप भी एक जहाज में अटैच्ड है, तो एक जहाज में जो लीक है उससे तो इतना पानी जहाज के अंदर आएगा, और पंप जो है वो 12 टन पानी जहाज से बाहर फेंक देगा। तो इसका मतलब यहां पर 27/4 टन पानी फिर भी जहाज में भर जाएगा 1 घंटे के अंदर। लीक से जो पानी जहाज के अंदर आया, पंप ने कुछ पानी जहाज से बाहर फेंका, तो 1 घंटे में लीक से इतना पानी आया, पंप ने 12 टन पानी बाहर फेंका, ओवरऑल इतना टन पानी फिर भी जहाज में रह गया 1 घंटे के अंदर। और जहाज में 60 टन पानी कितने घंटे के अंदर भरेगा वो समय हमें निकालना था। तो यहां से हम 60 टन का टाइम निकाल सकते हैं, और वो होगा 1 इससे डिवाइड 27/4 से, और 60 से मल्टीप्लाई। तो 4 से नहीं, 3 से ये 20, 3 से ये 9, और 20 × 4 80/9 घंटे। ये समय है जहाज के पास किनारे पर पहुंचने का। तो 80/9 से डिवाइड करोगे, 0 से 0, अब ये 4 से 2, 4 से 5, 45/2 यानी कि 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बस खत्म होने वाला है। अरे नहीं शिवा, कहाँ से लाते हो ये न्यूज़। चलिए ओके, तो बस अब आपका एक और क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद खत्म। ये अच्छे क्वेश्चन हैं, अगर कुछ अच्छा पूछना होगा तो वो आपसे ये पूछ सकता है। ठीक है, बस आज का लास्ट क्वेश्चन है। बस इसमें आपको ये निकालना है कि 60 टन पानी जहाज में कितने समय में भरेगा। लीक 12 मिनट में इतना, तो 60 मिनट में इतना पानी भरेगा, जबकि पंप 12 टन पानी जहाज में से फेंक देगा, तो कुल मिलाकर के इतना टन पानी 1 घंटे में जहाज में भर जाता है। तो 60 टन आपका इतने घंटे में भरेगा। तो इतने घंटे में आपको 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो आपकी स्पीड क्या है? हाँ, पिछले क्वेश्चन में ट्रिक अच्छी है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे और करिए, इसके बाद आपको आज यहीं पर आपकी सेवा समाप्त कर देंगे, बोट एंड स्ट्रीम खत्म। अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हमने आपको करा दिए हैं जो आपको दिक्कत कर सकते हैं। ये 4-5 क्वेश्चन लास्ट के हैं जो बच्चों को दिक्कत करते हैं, बाकी तो सब आसान ही है। अ बोट मूव फ्रॉम ए टू बी एंड बैक अगेन, बोथ पॉइंट बींग लोकेटेड इन द रिवर बैंक। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज डबल देन द ट्रिप फ्रॉम ए टू बी
एंड बैक अगेन वुड टेक 20% ऑफ टाइम दैट बोट यूजुअली स्पेंड इन जर्नी. हाउ मेनी टाइम्स इज एक्चुअल स्पीड ऑफ बोट देन द स्पीड ऑफ रिवर फ्लो. एक नाव ए से बी तक चलती है फिर वापस आती है, दोनों बिंदु नदी किनारे स्थित हैं. शांत जल में नाव की गति दो गुनी की जाती है, तो ए से बी की यात्रा और वापस आने में लगने वाले समय का 20% समय लेती है. तो नाव की गति नदी की गति का कितना, किस रेशियो में है? अब देखो, सबसे पहले समझो इस क्वेश्चन को कि वो कह रहा है कि एक नाव जाती है, ये समझो, और फिर वापस आती है. अब दो कंडीशन दे रखी है. देखो, जाने की स्पीड नॉर्मली उसकी x प्लस वाई और आने की स्पीड उसकी x माइनस वाई. अब वो कह रहा है कि अगर नाव की गति को डबल कर दोगे और नाव की गति को डबल कर दोगे तो जाने की स्पीड 2x प्लस वाई, आने की स्पीड 2x माइनस वाई. नाव की गति को डबल कर रहे हो तो यहां जो टोटल टाइम लग रहा है और यहां जो टोटल टाइम लग रहा है तो यहां पर 20% लगता है. मतलब यहां पर 100 घंटे लगते हैं तो इस कंडीशन में 20 घंटे ही लगते हैं. तो नाव और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो उसने आपसे पूछा है. ठीक है, अब आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं. इस क्वेश्चन को क्योंकि एक ही दूरी को अलग अलग स्पीड से करने में टोटल टाइम दिया है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं. प्रोडक्ट ऑफ स्पीड सम ऑफ स्पीड इनटू टाइम. तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड दोनों का प्रोडक्ट करोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. सम ऑफ स्पीड करोगे वाई से वाई कट जाएगा 2x इनटू टाइम. खत्म क्वेश्चन, अब इसमें कुछ भी नहीं है. प्रोडक्ट ऑफ स्पीड दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन सम ऑफ स्पीड करोगे तो 2 इंटू 2x इंटू 20 आवर्स. अब हम कुछ नहीं करेंगे, बस सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे. और हमें पता है आप सभी भी ये कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? पहले इस 2x से 2x काट दो, 0 से 0 काट दो, 2 से 2 काट दो, 10 का मल्टीप्लाई अंदर करोगे 10x स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर, यहाँ 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. तो सॉल्व करेंगे बस 6x स्क्वायर बराबर 9y स्क्वायर और इसका x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर 9/6 या 3/2. तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर 3/2 है तो एक्स अपॉन वाई 3/2. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. चलिए, विपिन थोड़ा सा अभी कुछ बताते हैं आपको मेरे भाई कि क्या करना है उसका. जल्दी से बताइए, अब बताइए क्योंकि अब आपका टॉपिक हो चुका है समाप्त. अब जल्दी से कंफर्म करें और अब आप हमें बताएं कि क्या आप सबको ये समझ में आ गया है. अच्छा क्वेश्चन है ये. बैंकिंग वाले जो बच्चे ना, बैंकिंग के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देखे जाते हैं कई बार, बैंकिंग के एग्जाम. और ये तो आपका सीजीएल मेंस में भी आ सकता है, सीडीएस में भी आ सकता है क्योंकि क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन देने का तरीका थोड़ा मजेदार है. हमें भी आइडिया नहीं है, देख के बताना पड़ेगा गौरव, देखना पड़ेगा. चलो अब बताइए. अब बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट सैटरडे को फिर मिलेंगे. बीच में कुछ प्लान करेंगे छोटी छोटी वीडियोज वगैरह का और कुछ आपको जो आपके लिए यूजफुल हो उसको अपलोड करने का. बाकी जो भी नेक्स्ट टॉपिक आपको करवाना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बच्चे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी वो टॉपिक हम करवा देंगे. ओके गम, पर मुझे एक डाउट है कि मेंस का मैथ विदाउट एक्स हो सकता है क्या? एक्स से ही हो? नहीं, हो सकता है विदाउट एक्स, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना कि इसमें एक्स मानना मजबूरी हो जाती है. लेकिन जब एक्स मानना मजबूरी हो जाती है तो उसे सिंप्लीफाई मत करो, उसको ऑप्शन से करो. हम आपको ये कहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं वहां पर एक्स वगैरह मानना थोड़ा मजबूरी होती है, तो जहां एक्स वगैरह मानना मजबूरी हो तो वहां पर आप उसे ऑप्शन से जा सकते हैं. ठीक है विपिन, बताते हैं आपको मेरे भाई. चलिए तो फिलहाल आज इतना ही रखते हैं. बाकी इसकी जो शीट है ये टेलीग्राम पे आप हम आपके कमेंट सेक्शन में एक लिंक डलवा देते हैं टेलीग्राम का,
तो उस कमेंट सेक्शन में लिंक पर जाकर के सीधे आप टेलीग्राम पर जाकर के इस टेलीग्राम पर आप जाकर के वहां से आप इसकी पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं। बाकी आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर अगर फॉलो करना चाहें तो आप यहाँ पर इस नाम से अद्वितीय वी के नाम से आप फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे आप सर्च करिए अद्वितीय सर, आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो ये फेसबुक पेज, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम, ठीक है। चलिए, तो वैसे जो मैथ्स स्पेशल बैच है वो नेक्स्ट वीक में प्लान है, और 2 से 3 दिन के अंदर आपको नेक्स्ट वीक में पोस्टर वगैरह रिलीज हो जाएगा। बीओडी का भी कुछ थोड़ा सा डाउटफुल है, बीओडी के बारे में बताते हैं आपको, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच महारथियों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।